أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے. بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے. اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو. اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے. اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علیک.
नाज़रीन खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को कोहिनूर पर सहर की ये ट्रांसमिशन। एहतराम रमज़ान हर रोज़ की तरह आज भी आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और वकास अली खालिद के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत मोहब्बत और अकीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। 26 रमज़ानुल मुबारक की सहर है और एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने हम हाजिर खिदमत हैं। इस माह मुबारक का ये आखिरी अशरा भी है और बहुत ही कम वक्त बाकी है इस माह मुबारक को हमसे रुखसत होने में, और अपनी मोहब्बतें अपनी अकीदतें अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमने जो पेश की हैं इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि मालिक कायनात हम सब के हाल पर ख़ास करम नवाजी फरमाए। आज 26 रोज़े की सारी है और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मौजू है वो सदक़ा फ़ित्र के हवाले से है। इंशाअल्लाह जिस तरह मुख्तलिफ़ मौजूआत पर हम गुफ्तगू करते रहे, सदक़ा फ़ित्र बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम मौजू है। बहुत से सवालात आप लोगों के जो हमें मिलते रहे वो भी डिस्कस होंगे आज इंशाअल्लाह, और मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू क़ुरान व सुन्नत और अहादीस की रोशनी में उलमाए किराम से आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हमारी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लि व सल्लि अलैहि। नाज़रीन इस्लाम जहां इबादत की बात करता है, मकसद तख्लीक इंसान बयान करता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून के मकसद जिन्न व इंस अल्लाह की इबादत ही मकसूद है उनका। इबादत में हम सजदे भी करते हैं, रुकू भी करते हैं, रियासत भी होती है, मगर जो सखावत है, माल खर्च करना, इस्लाम इस पर भी बहुत ज़ोर देता है। कहीं ज़कात की बात होती है, कहीं पे सदक़ात की बात होती है, और आज जिस पे हम बात करेंगे फितराना, हर शख्स ने इसको अदा करना है जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, और इस हवाले से बहुत सारी बातें भी हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद शफात रसूल नूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी और सियासी शख्सियत, रहनुमा तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मशायख उलमा विंग सेंट्रल पंजाब हज़रत अलामा मुफ्ती अलामा रियाज सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सना खान रसूल नाक गो शायर जनाब अलहाज रफ़ीक ज़िया क़ादरी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से हमारे मोहतरम क़ारी राशिद अली नईमी साहब ने सहर के इन बाबरकत लम्हात का आगाज़ किया है। क़ारी साहब आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। आज के ट्रांसमिशन में आप तशरीफ़ लाए हैं, बारगाह रबूबियत में हदिया कलाम पेश करने की शहादत आपने हासिल की है। वक़ास साहब ने भी वजाहत की है, और यकीन इंशाअल्लाह उलमाए किराम से गुफ्तगू का आगाज़ होगा और सदक़ा फ़ित्र के हवाले से मुकम्मल आज के इंशाअल्लाह। जी भी सब गुफ्तगू आपसे शुरू करते हैं, फरमाइएगा सदक़ा फ़ित्र क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका फितर यानी सदका अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करना, क्योंकि मुसलमान जब कलमा पढ़ता है तो वो अल्लाह से अहद करता है कि मेरी जान, मेरा माल और मेरी औलाद, ये सब मैं तेरे हाथ पर बेच रहा हूँ। जी इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना, कि अल्लाह ताला ख़रीदार है और मोमिन बेच रहा है, और क्या बेच रहा है, अपना माल और अपनी जान को। और फितर का माना है रोज़ा छोड़ना। हम सारा दिन भूख और प्यास की हालत में रहते हैं और शाम को हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। अफ्तार हो, इफ्तार हो, फितर हो, इन सब का माना कि जिस काम से आप रुके हुए थे खाने और पीने से, उसको शुरू कर दें। अब सदका फितर से मुराद ये है कि माह रमज़ान के जो आपने रोज़े रखे हैं, उन रोज़ों के मुकम्मल होने से पहले आप एक मुकर्रर जो मकदार है, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमा दी है, वो मुकर्रर मकदार जो है वो आप अल्लाह के रास्ते में दें। और उसका वक्त है आप ईद चांद से पहले सदका फितर अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि इसका मकसद ये है कि आप अपने माल में से गरीब, मोहताज, यतीम, मिस्कीन लोगों को अपने माल में से दें, ताकि वो भी आप लोगों की तरह
अच्छे कपड़े पहन सकें, ईद के दिन अच्छा खाना खा सकें और अच्छे कपड़े पहन के ईदगाह की तरफ जा सकें। आपने पूछा सदक़े फ़ितर का माना जी, सदक़े फ़ितर का लुग़वी माना और उसका इस्तिलाही माना, और उसका एक मकसद मैंने आपके सामने रख दिया। लुग़वी माना ये कि जो आपने रोज़े रखे थे ये इमसाक था, अब उस इमसाक को जब आप छोड़ते हैं तो उसे फ़ितर या इफ्तार कहते हैं। और सदका अल्लाह के रास्ते में माल को देना, जैसे अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लम ने हमें इरशाद फरमाया, और उसकी एक मकदार मुकर्रर है और वक्त उसका शब ईद से पहले पहले इसे अदा करना, ताकि जो मकसद है फितराने का, हम तो फितराना उर्दू में कहते हैं जी, लेकिन अरबी में फितर कहते हैं जी, सदका फितर। तो वो जो मकसद है, वो मकसद ये सदके फितर अक्सर कहें तो समझ नहीं आता, फितराने ही चल रहा है जी, बिल्कुल ऐसे। तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि माशरे में कुछ लोग अच्छे कपड़े पहन के ईद ना करें, बल्कि माशरे में हर शख्स जो है वो कुछ अपने माल से और कुछ सदका फितराना, यानी कुछ सदका फितर से, जिसे हम फितराना कहते हैं, उससे वो अच्छे मुनासिब कपड़ों को ख़रीद कर ईदगाह की तरफ जाके नमाज ईद अदा कर सके। जी अल्लामा साहब फरमाइएगा, जैसे पीर साहब ने इसका लुग़वी इस्तिलाही माना बयान किया और मकसद बयान किया कि फितराने का जो मकसद है कि वो लोग जो ईद की खुशियाँ मना नहीं सकते सही मानों में, वो भी शामिल हो जाएँ। फरमाइए कि आप क्या फरमाते। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारक वसल्लम अलैहि। जी लामा वकास खालिद साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। रमज़ान मुबारक के आखिरी अय्याम हैं और सदका फितर इन्हीं अय्याम में अदा किया जाता है। सदका फितर जिस तरह ज़कात का निसाब है, जो फ़र्ज़ ज़कात है, इसका भी थोड़ी कमी पेशी के साथ वही निसाब है। ठीक है, जिस तरह साहिब निसाब ज़कात में फुकहा ने लिखा है कि 52 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना, वही चीज़ सदका फितर में भी है। लेकिन इसमें उलमा फरमाते हैं कि ज़कात की तरह ये ज़रूरी नहीं कि आपका माल पर एक साल गुजरे। ठीक है, आप ये बात करना चाह रहे हैं कि जैसे ज़कात 2.5% दी जाती है, ये तो ऐसा नहीं है। वो नहीं, निसाब की बात कर, निसाब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, निसाब निसाब वही के साथ मिलता जुलता है, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं कि निसाब पर एक साल आपके पैसों पर गुजरे। उसके लिए उसके लिए जरूरी है। फिर उलमा इकराम फरमाते हैं कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में ये मुनादी कराई सदका फितर के हवाले से, सदका फितर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के जरिए शहर मदीना पाक में ये मुनादी कराई, ऐलान कराया कि लोगों सदका फितर अदा करना है हर मर्द ने, औरत ने, हर बच्चे ने, हर गुलाम ने। ठीक है, तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि उसकी फिर एक वजह हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस में मकसद ये भी आया है कि जिन लोगों ने रोज़े रखे और दौरान रमज़ान रोज़ा रख कर कुछ ऐसी बातें की जिनकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता, ठीक है, फजूल बातें, फैश गोई, कई ऐसी बातें की, तो अल्लाह खाल के कायनात की बारगाह में अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उन रोज़ों को पाक करने के लिए, उनकी काबूलियत के लिए मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका फितर अदा करो। बिल्कुल ठीक। फिर सदका फितर के इसकी मुद्दत फुकहा ने लिखा कि पूरी जिंदगी है, पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी है। अच्छा, ये नहीं कि आपने एक साल दिया है तो नेक्स्ट ईयर आप कहेंगे बस मैं तो दे चुका हूं भाई। नहीं, मैं एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। ईद उल फितर से पहले अदा करना ओके सुन्नत भी है और मुस्तहब भी है, ईद उल फितर से पहले अदा करना। लेकिन अगर आपको याद आया कि आपने 10 साल पहले अदा नहीं किया था, तो आप वो सदका फितर अब भी अदा कर सकते हैं। पूरी जिंदगी उसकी मुद्दत है, पूरी जिंदगी में जब आप चाहें इसको अदा करें। लेकिन मुस्तहब ये है कि नमाज ईद से पहले पहले आप सदका फितर अदा करें जो इस्लाम ने निसाब दिया है। बिल्कुल, फरमाइए आप क्या फरमाते हैं इस बारे में। किस बारे में?
जो बात हो रही है उस बारे में और किस अच्छा, बारे में इस बारे में देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जब रात तक अदा नहीं करते तो उसके बाद अगर अदा करेंगे वो सदका फितर नहीं कहलाएगा। सदका फितर जो है वो उस वक्त तक है जब तक आपने नमाज ईद पढ़ी नहीं, ठीक है। नमाज ईद के बाद आप अदा कर सकते हैं, तो अल्लाह के रास्ते में देना है ना जी, ऐसे ही उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं, वही बात वो ठीक है, आप जरा ज़हन में बिठा लें जी जी। दूसरी बात ये है कि निसाब जो है सदका फितर का वो ज़कात के निसाब से टोटली मुख्तलिफ है, ठीक। मसलन ज़कात के निसाब में जब आप निसाब बनाएंगे तो घर घर की ज़रूरत की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें उसमें शामिल नहीं करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, उसमें 52.5 तोला चांदी या 7.75 तोला सोना, ये आपकी ज़कात का निसाब है। लेकिन जब आप फितराने का निसाब बनाएंगे तो हर उस शख्स पर फितराना देना ज़रूरी है कि जिसके पास निसाब उसकी घर की चीज़ें मिला के अगर उसका निसाब बनता है तो उसका निसाब होगा। मसलन आपके घर में आपका टेलीविज़न है, आपका फ्रिज है, आपके घर की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ये सारी मिलाकर भी निसाब में शामिल की जाएंगी। ज़कात के निसाब में ये चीज़ें शामिल नहीं की जाती, ठीक है। लिहाजा ज़कात जो है वो शख्स देगा कि जिसके पास निसाब होगा घर ज़रूरत और कारोबार की चीज़ों से हट कर, ठीक है। अगर उसके पास 7.75 तोले सोना होगा और 52.5 तोले चांदी होगा, ठीक। ये निसाब एक ही है जी, ऐसे कि 52.5 तोले हो या 7 तोले सोना हो, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें आपकी ज़रूरत की चीज़ें ज़कात के निसाब में ज़रूरत की चीज़ें शामिल नहीं की जाती हैं। फितराने के निसाब में आपकी ज़रूरत की चीज़ें भी, फ़र्ज़ करें आपका घर, आपके घर के कपड़े, आपके घर का साजो सामान, आपका फ्रिज, आपका टीवी, आपके मोबाइल, अगर ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर 7 तोले बनता है सोना, आप पर फितराना देना ज़रूरी है। 52.5 तोला चांदी बनती है, आप पर फितराना देना ज़रूरी है। लेकिन ज़कात में जब आप निसाब बनाएंगे तो ये चीज़ें आपको मिनहा करनी होगी, ठीक है। इनको निकाल के आपको देना होगा, ये बड़ी ज़रूरी है। रही जो बात हजरत ने फरमाई है कि वो जब भूल जाए तो वो जब चाहे दे दे, वो इसलिए दे दे कि उसके ऊपर से भूल के उसने नहीं दे सका, अब वो दे दे तो दे सकता है, दे सकता है। ये नहीं है कि नहीं दे सकता, सदका देना किसी वक्त भी मना नहीं है, ओके, ठीक। बात ये कि उसको फितराना नहीं कहेंगे, सही, ठीक है। फितराने का वक्त और मकसद जो है वो ये है कि एक तो रूहानी मकसद है, वो रूहानी मकसद ये है कि जिस तरह आपसे कोई लग्व बेहुदा ऐसा कोई काम जो रोजे के मनाफी था, मनाफी का मतलब ये नहीं है कि आपने ऐसी कोई काम किया जिससे रोजा इफ्तार हो गया, ठीक है, इफ्तार नहीं हुआ, रोजमर्रा आम जो चीजें उसकी रूहानियत मुतासर होगी रोजे की, मतलब आपने झूठ बोला, अब झूठ बोलने से रोजा तो नहीं खत्म होता लेकिन रोजे की जो रूहानी ताकत है उसमें फर्क आ जाता है। इसी तरह आपने गीबत की है तो गीबत करने से रोजा तो नहीं फासिद होता लेकिन रूहानी तौर पर उसकी कुव्वत और मकासिद खत्म हो जाते हैं। इस किस्म के अगर आपने काम किए हैं तो उसके लिए मेरे आका सल्लम ने फरमाया कि आप जब फितराना देंगे तो आपके रोजे आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक होते हैं। जब आप फितराना अदा करते हैं तो वो दर्जे कबूलियत की तरफ महवे परवाज हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं पीर साहब जो इंशाल्लाह हम आपसे करेंगे, अलावा साहब आपसे भी करेंगे। सज्जाद हैदर नक्शबंदी साहब शहर सियालकोट से आज हमारे मेहमान बने हैं, सहर ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करेंगे अलहाज रफीक ज़िया कादरी साहब। लब से हवाला न गया,
गई शाम मगर उनका उजाला न गया। मैंने एक बार कहा झोली मेरी खाली है, इतना मुझको दिया कि मुझसे संभाला न गया। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी मेरे गरीब नवाज नवाज थोड़ी सी इको कम कर दो, आवाज बढ़ा दें, बहुत अच्छा साउंड है ये। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। मोहब्बतों का सिला देता है। सुनहरी जानियों में यारगार आपसे है। हुजूर सियाहकार आका बड़ी नदामत है। सियाहकार आ दामत है। कसम खुदा की
ये मेरा वकार आप से है हुजूर में, मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं या रसूल अल्लाह, मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं, मेरी हयात का दारो मदार आपसे है, मेरी हयात का दारो मदार आपसे है। हुजूर आपकी यादों में अश्क नहमत है, ये तेरी आँख ज़िया अश्क बार आप से है। इन आँसुओं के सिवा पास मेरे कुछ भी नहीं, ये तेरे ज़िया अश्क बार आप से हैं हुजूर मेरी, तो सारी बहार आप से हैं। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया क़ादरी साहब कलाम अपना लिखा हुआ खूबसूरत और मारूफ कलाम आप पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। सदक़ा फ़ितर जिसे फितराना अमूमी तौर पर कहा जाता है उस पर हमारी आज की गुफ्तगू है। फिर साहब आप थोड़ी सी वजाहत कर दें, फिर हम आगे रियाज़ सदीक़ी साहब बयान बढ़ेंगे। जिस तरह अभी आप बयान कर रहे थे इन्हीं की गुफ्तगू में से कि वो जो वक्त गुजर गया उसको फिर सदका फितराने में कंसीडर नहीं हम लोग करेंगे, उसकी वजह मतलब ये है कि वो वक्त गुजर गया या कोई और उसकी वजह है, ये थोड़ी सी आप वजाहत कर दें। देखिए इबादत के लिए अल्लाह ताला ने वक्त मुकरर किया है, ठीक है, कुछ इबादत को अल्लाह ताला ने वक्त के साथ मुकैद फरमा के फिर उसकी कज़ा रखी है, ठीक, जिस तरह नमाज है जी, आप नमाज अगर नहीं पढ़ सकते वक्त के अंदर तो फिर उसकी कज़ा है, ठीक, कुछ इबादत ऐसी हैं कि अगर वो वक्त निकल जाए जी तो फिर उसका कफारा होता है, ठीक है। मसलन एक मरीज है जी जिसको रोज़ा रखने की इस्तेआत नहीं है, अब वो रोज़ा नहीं रख सकता तो रमज़ान गुजरने के बाद उस पर कज़ा नहीं है, ठीक, उसका उस पर कफारा है, कफारा है, ठीक। तो अल्लाह ताला ने इबादत के साथ कहीं कफारा रखा है और कहीं उसकी कज़ा रखी है, रखी है, और हर इबादत का कोई ना कोई मकसद होता है। जिस तरह आपकी कुर्बानी है, अगर आप 3 दिन में कुर्बानी नहीं कर सके जी तो 4th दिन तो आप नहीं कर सकते, वो कुर्बानी नहीं, वो कुर्बानी नहीं होगी, वो आपके अल्लाह के यहाँ सदका होगा, आप कर दें उसमें कोई हर्ज नहीं, उससे भी आपके लिए बलियात आफात में कमी वाकई होगी। इसी तरीके से हज है, अगर हज के दिनों में आप हज करेंगे तो आपका होगा, उसके बाद नहीं होगा हज उसका।
इसी तरीके सदका फितर का जो मकसद अल्लाह ताला ने उसके प्यारे रसूल सल्लम ने बयान फरमाया है वो ये कि तुम्हारे रोज़ों की कोताही और कमी को वो दूर करता है और अल्लाह के लिए काबिल कबूल बनाता है, और दूसरा मकसद उसका सोशल और समाजी उसका पहलू है ताकि तुम्हें माल दिया है तुम आगे दो ताकि जो गरीब फकीर लोग हैं जो कपड़े नहीं बना सकते वो तुम्हारे सदका फितर से अपनी ईद की तैयारी कर सकें। अब आप देखिए, मैं इस पर क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत देखा जाता है आपका, मैं इसके ज़रिए से बहुत मुस्बत और पॉजिटिव बातें फितराने के हवाले से आपके तवस्सुत से मैं करूँगा। मैं उसकी एक बुनियाद आपके सामने रख देता हूँ। इस्लाम का एक निज़ाम अकायद है कि जिससे इंसान के दिल और दिमाग का किबला अल्लाह दुरुस्त करता है, शिर्क की नफ़ी, जुल्म की नफ़ी। दूसरे जो इस्लाम ने हमें प्रोग्राम दिया वो इबादात का है, जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात है। और तीसरा अल्लाह ताला ने हमें प्रोग्राम दिया जिसे आप मालियात कह सकते हैं, माशियात कह सकते हैं, इक्तसादियात कह सकते हैं। और आप तो हाफिज़ हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक वल मग़रिब वलाकिन अल बिर्र मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यिन व आतल माला अला हुब्बिही। ईमानियात, ईमान और ईमानियात की बात करने के बाद फौरन अल्लाह ताला ने मालियात की बात की है, इसलिए कि सूफिया किराम के नज़दीक किसी सूफी से पूछा कि इस्लाम के रुकन कितने, उन्होंने कहा छः। उनका अब तक तो हम पाँच सुनते आए थे, उन्होंने कहा नहीं छः। उन्होंने कहा कि हदीस में तो पाँच हैं, उन्होंने कहा पाँच कौन से, उन्होंने कहा शहादत देना, नमाज पढ़ना, रोज़ा और हज और ज़कात। उन्होंने कहा इसके साथ रोटी भी रख लो, इसलिए कि इंसान की जब तक माशियात मजबूत ना हों उस वक़्त तक उसका ईमान पर बाकी रहना और उसका इबादात पर कायम रहना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तरफ अगर तुम्हें भूख लगी हो खाना पड़ा हो और दूसरी तरफ नमाज का वक्त हो तो पहले तुम खाना खाओ उसके बाद फिर नमाज अदा करो, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज पढ़ते हुए भी तुम्हारी तवज्जो खाने की तरफ जाए। और इबादत तो इस तरह करनी होती है ना कि ताबुदुल्लाह का अन्ना का तराहो, फइल्लम यकुन यराहु फइन्ना का तराहो, अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि अल्लाह तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये मकाम नहीं नसीब होता तो फिर इबादत इस तरह करो कि तुम खुदा को देख रहे हो। तो माशियात एक बड़ा अहम पहलू है, उस माशियात को आप नाम दे लें ज़कात का, उस इस्लामी माशियात को नाम दे लें फितराने का, उस इस्लामी माशियात को नाम दे लें उशर का, उस इस्लामी माशियात को नाम दे लें कर्ज हसना का, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का। ये सारी जो इस्तिलाहात हैं कुरान में अल्लाह ताला ने ये इस्लामी निज़ाम माशियात को एक वसत दे के बयान की है। 2.5% आप पर ज़कात फ़र्ज़ है कि आपने साल के बाद देनी ही देनी है, उसके बाद फितराना, उसकी हम मकदार पर इंशाल्लाह तफसीलन गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह फरमाएगा कि फितराना घर में मौजूद जो तमाम फैमिली मेम्बर्स हैं सभी का अदा करना होगा। जी जी, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मैंने बयान की थी, जो बच्चा उस सुबह सादक से पहले पैदा हुआ जी उसका भी फितराना है, उस घर में रहने वाले तमाम अफराद का, छोटे बड़े बुजुर्ग तमाम अफराद का। लेकिन उसमें जो घर में ऐसे अफराद हैं जो खुद कफील हैं वो अपना अदा करेंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे नाबालिग बच्चे हैं उनका फितराना उनके वालिद पर है, ठीक है, वालिद ना हो तो फिर दादा पर है, बिल्कुल जो सरबरा होगा। लेकिन जो लामा साहब बात कर रहे थे, इस्लाम ने फितराना देकर असल में गरीबों की मदद की है जी, ठीक, मुआशी निज़ाम जो इस्लाम का है, लेकिन उसमें हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी खराबी है। जब अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान हकीम में जिक्र किया बात की तो अल्लाह ने फरमाया कल्ला बल्ला तुकरीमून यतीम, सूरह फजर में, ठीक है, पीछे तबाहियों का जिक्र किया तो फरमाया इसलिए कि तुम यतीम को एहतराम नहीं देते, तुम यतीम को एहतराम नहीं देते। फतराना अदा भी करना, जिसको देना है उसकी इज्जत नफ्स भी मजरूना हो, ठीक है, उसकी इज्जत पर भी हरफ ना आए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतराना की अगर आपने मिसाल देखनी हो तो आपको वो वाकया याद होगा, हदीस की किताबों में है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन अयाम में जो खुशी के अयाम थे इनमें गरीबों को कैसे शामिल करते थे कि हजूर अलैहिस्सलाम नमाज ईद के लिए जा रहे हैं जी। तो एक बच्चा रो रहा है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक कर पूछते हैं अपने सहाबा से कि ये बच्चा क्यों रो रहा है,
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتیم ہے، اس لیے رو رہا ہے، اس کی والدہ نہیں ہے، اس کو کوئی کپڑے پہنانے والا نہیں ہے، آج عید کے دن اس کی کوئی خوشیاں بانٹنے والا نہیں ہے، اس کے کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے شہزادگان کے ساتھ جا رہے تھے، اپنے نواسوں کے ساتھ جا رہے تھے، اور آپ نے ان کو اٹھایا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے نیچے اتارا، اس بچے کو اٹھایا اور گھر لے گئے۔ یہ پیغام دیا اپنی امت کے نام، سبحان اللہ، اپنے غلاموں کے نام پیغام دیا کہ ان خوشی کے ایام میں غریبوں کو اس طرح شامل کرنا ہے۔ صحیح. پھر اس میں اخلاص ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومانا للہ فقد استکمل الایمان۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہاری محبت اللہ کے لیے ہو، تمہاری عداوت دشمنی اللہ کے لیے ہو، وآتا للہ جو ہم بات کر رہے ہیں، تمہارا کسی کو دینا بھی اللہ کے لیے ہو، بالکل ٹھیک ہے، ذاتی شہرت کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، وآتا للہ جب آپ کسی کو عطا کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کو دیں، تو اس میں فقط آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو۔ مانا للہ، اگر کسی کو دینے سے آپ رکے رہیں، کسی کو نہ دیں، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ میرے آقا کریم نے فرمایا فقد استکمل الایمان، پھر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ سوال ایک ہمیں موصول ہوا ہے، اب آپ جو دوست ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ صدقہ فطر یعنی فطرانہ دینے کا جو صحیح وقت ہے اور افضل ترین جو ہو بارگاہ میں، اس بارگاہ میں وہ کون سا ہے، وہ آپ وضاحت کر دیں گے تھوڑی سی اس کی۔ دیکھیے، اس میں ایک تو ہے نص قطعی، یعنی جو حدیث مبارک میں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو شب، جسے شب عید کہتے ہیں، جی، عید کی رات جو کہتے ہیں، اس وقت دے دیں، عام طور پر جسے چاند رات کہتے ہیں، چاند رات جسے کہتے ہیں، چاند رات، جی، اس وقت دے دیں، اس وقت تک دے دیں۔ ٹھیک، لیکن اب حدیث کی ایک روح ہے جس کو ہم کہتے ہیں استنباطی معنی، ٹھیک، یعنی جسے فقہ، اصول فقہ کے اصطلاح میں اشارت النص کہتے ہیں، جی، عبارت النص سے تو یہ ثابت ہے کہ آپ چاند رات سے پہلے دے دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب آپ اشارت النص کہہ لیں، اقتضاء النص سے ثابت ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا اس لیے تھا کہ کل عید ہے، جی، اس لیے تم اسے دے دو تاکہ وہ اپنی عید کی تیاری کر لیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب تھوڑا سا زمانہ بدل گیا ہے، جی، آج کچھ عید کی تیاریوں میں کچھ ایسے تکلفات آ گئے ہیں کہ جن کو اگر آپ بر وقت آپ ان کا ارینج نہیں کرتے تو آپ عید کے لیے تیاری نہیں کر پاتے۔ اب میں نے کل اپنے گھر کا، میں نے کہا کہ کچھ سوٹ میرے لیے سلوا لو، ان کے آپ اب کہہ رہے ہیں، آپ تو درزیوں نے ویسے لکھ کے لگا دیا کہ بھائی کپڑے نہیں ہم سی سکتے۔ اب یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ کپڑے سلوانے کے لیے بھی آج بات ان کی بھی ٹھیک ہے، ظاہر ہے، مطلب نہیں، بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، میں اپنی سستی اور غفلت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر چیز پروفیشنلزم میں ڈھل گئی ہے، آ چکی ہے، بالکل۔ تو اس لیے اب آپ کو تیاری کرنی صرف سفید سادہ کپڑے پہننے کے لیے تو آپ کو 5-10 دن پہلے اس کے لیے کرنا ہوگا۔ جب آپ تیاری آج کے اس ماحول کے مطابق آپ کو 10 دن پہلے شروع کرنی ہے تو اگر آپ فطرانہ چاند رات سے پہلے ادا کر دیں تو جو روح فطرانہ ہے اس کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے آخری جو ہے وہ تو چاند رات ہے، اس سے آگے تو جانا نہیں ہے، اس سے پہلے اگر آپ 1 رات پہلے، 2 رات پہلے، 3 رات پہلے اگر آپ دے دیں تو جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، یتیم ہیں، آواز میں باندھی، یقیناً جب یہ پہلے دیں گے تو اس میں شامل ہو، تیاری کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسی سوچ کے حامل ہوتے ہیں کہ جو ریڈی میڈ جا کے خرید لیں اسی رات، وہ پرسنٹیج چند ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے نا، ریڈی میڈ تو آپ جیسے لوگ خرید سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس تھوڑا پیسہ ہو وہ کوشش کریں گے کہ کپڑا ہم سستا سا بازار سے خریدیں، 200-300 میں سلوا لیں، 600-800 میں، 800 میں، 900 میں سوٹ تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ ریڈی میڈ 200-300 والا وہ زمانہ چلا گیا، فار کائنڈ یور انفارمیشن، نہیں سیتے 200-300 میں۔ تو اس لیے جو ہے نا، بہترین جو وقت ہے وہ بتا دیں کہ کتنے دن پہلے دے دینا چاہیے۔ میں نے عرض کی نا کہ عید چاند رات سے آگے تو آپ جا نہیں سکتے، وہ تو آپ نے ایک لیمٹ بتا دی۔ میں نے حدیث کے اندر رہ کے بات کرنی ہے نا، چاند رات سے آگے تو نہیں جا سکتے، لیکن میں نے کہا روح حدیث کو اگر رکھا جائے
तो आप इतना पहले जरूर दे दें गरीबों को कि वो अपनी ईद की तैयारी कर सकें। 27वीं तक दे दें, 27 को दे दें, 25 को दे दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि अगर वो ज्यादा जल्दी दे दें, इससे भी ज्यादा, 5-4 दिन, 6 दिन, 7 दिन रमजान को दे दिए, वो भी बहुत अच्छा, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, उसमें वो अच्छी चीज। हम उस हदीस की रूह को मैं सामने रख के बात कर रहा हूँ। आप टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, आप उसको सामने रख के बात। टाइम फ्रेम जो है ना, किस वक्त से शुरू को टाइम होता है ना, जिस तरह नमाज का वक्त है कि ये वक्त जो है 4 बजे शुरू होकर 5 बजे खत्म हो जाएगा, फितराने में ऐसी बात नहीं है। फितराना में ये कि आपने नमाज पढ़ने से पहले उसे अदा करना है, बिल्कुल ठीक है। और वो अब कितना पहले अदा करना है वो आप जब चाहें आप अदा कर दें। बेहतर वक्त वही है जो आप बेहतर समझें, बेहतर समझें ताकि दूसरे तैयारी कर सके, तैयारी कर सके। जी बिल्कुल ठीक है, गुफ्तगू भी जारी है, एक कलाम शामिल करते हैं। सजाद हैदर नक्शबंदी साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। नसीबा वाले नूयार दे दीदार हुने ने, नसीबा वाले यार दे दीदार हुंदे ने, तड़प देने जो अज यारो ओ कल दरबार हुंदे देने जो अज यारो ओ कल दरबार हुंदे ने, गुनाहगारा ने अली दसिया लुटा के कर दकर सारा हुसैन बने लुटा के कर न कर सारा रजा जे यार दी खोवे कदों इनकार हुंदे ने, सवारी कर दिलई
جلو ملن گندے محمد دے سواری کڈے اینو کہندے نے تے انج سردار ہلدے نے نوابی اینو کہندے نے تے انج سردار ذخیروں خوف نہیں رکھ دے حشر دے تے خانہ دا ذخیروں خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحانہ دا جڑے زہرا زخرا دے بچیاں دے او خدمتگار ہلدے نے جڑے زخرا دے بچیاں دے او خدمتگار دے دے تڑپ دے نے جو یج یارو او کل دربار دے نے نصیباں والے آنو آمدید ناظرین احترام رمضان سحر کی براہ راست نشریات کوہ نور پہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا عنوان فطرانہ اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں سوالات ہو سکتے ہیں آپ بھرپور انداز میں کر سکتے ہیں کالز کر سکتے ہیں میسیجز کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں گے علامہ صاحب جو صدیقی صاحب بات کر رہے تھے کہ بچہ پیدا بھی ہوا اس دن اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہوگا بوڑھا ہے جوان ہے آپ نے پہلے یہ بات کی تھی کہ دوران روزہ فحش گوئی ہے ایسا کام سرزد ہو گیا کہ جس کے حل کے لیے اور جس کو پورا کرنے کے لیے فطرانہ دیا جاتا ہے تو چھوٹے بچے نے روزہ رکھا ہی نہیں لاما صاحب وہ فطرانہ کس چیز کا دے رہا ہے دیکھیں حدیث پاک میں جو احکامات ہوتے ہیں جی
उन अहकामात को बयान करते वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम हिकमतों का इहाता नहीं फरमाते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी ने सवाल किया होगा, जो मेरे गुमान के मुताबिक है कि उस वक़्त रोज़ेदार लोग उन्होंने सवाल किया होगा, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितराने को बयान करते हुए उनके अंदर इसकी अदायगी के लिए तरगीब पैदा करने के लिए, शौक़ पैदा करने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सात इरशाद फरमाया। ये एक हिकमत है। हिकमत जो होती है ना अहकामात की, या अक़वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अहादीस मुबारका की, या इबादात की, वो हिकमतें बाद दफ़ा तो अल्लाह रसूल बयान फरमा देते हैं। और बाद दफा माइंड में ये सवाल उठ सकता है ना, बिल्कुल मैंने आपके सामने रखा है ये सवाल। बिल्कुल ये सवाल है, बिल्कुल, और वो तो समझ में आ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे। जी हाँ, अब आप क्योंकि सवाल करते हैं, एंकर हैं, तो आपने पब्लिक की नुमाइंदगी करनी होती है, तो पब्लिक के ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि जब हजूर सल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ों के दौरान जो लगव और बेहुदा गुफ्तगु या बेमकसद काम हुए उनका इजाला होगा, ये उन हिकमतों में से एक हिकमत है। और उसी के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया कि हर जान पर सदका फितर है, यहाँ तक कि जो रात को बच्चा पैदा होगा, सुबह नमाज से पहले तक बच्चा पैदा हो उस पर भी फितराना है, क्योंकि सदका जो फितर है सदका सदका है। और सदका के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मकामात पर फरमाया है कि ये दाफियुल बलियात होता है, दाफियुल आफात होता है, ये भी हजूर सल्लम ने सदका के शामिल फरमाया। फिर उसके साथ आप ये देखिए ना कि सदका फितर का मकसद ये है कि लोगों को उनको इस काबिल करना है कि वो ईद करने के काबिल हों, अच्छे कपड़े पहनने के काबिल हों, अच्छे खाना खाने के काबिल हों, हमारे साथ कहीं आने जाने के काबिल हों, तो उस मेल मिलाप और खाने पीने के लिए और सामाजिक और सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए जितना ज़्यादा फितराना दिया जाएगा उस हिसाब से। मैं आपको इसकी भी थोड़ी सी साथ वजाहत कर दीजिएगा, यानी फिर जो नमाज के बाद पैदा हुआ उस पर फिर नहीं है, मतलब उस पर नहीं है, उस पर नहीं है, अगले साल उस पर अगले साल जाहिर है वो जवान होगा। अब इसमें अब यहाँ एक बड़ा सवाल, हिकमत और भी आप बयान कर सकते हैं इस हवाले से, ताकि नाज़रीन मज़ीद हिकमतें हम बयान कर सकते हैं, लेकिन ये हिकमत जो हमने बयान की है ये वो है कि जो हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है। फिर आप देखिए एक और बात के माशरे में हमेशा देने वालों की तादाद थोड़ी होती है, लेने वालों की तादाद हर दौर में ज़्यादा रही है। मसलन जिन पर ज़कात फ़र्ज है वो थोड़े लोग हैं, और जिन पर ज़कात फ़र्ज नहीं, जो मसारिफ़ ज़कात में ज़कात लेने वाले लोग हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। इसलिए अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज की, फितराना फ़र्ज किया, इन्फाक का, और फिर सदा लगाई मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहा क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़ुहू लहू अदाफ़न कसीरा, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे और अल्लाह ताला उसको दुगना चुगना उससे भी ज़्यादा करके वापस लौटाएगा। ये जो अल्लाह के रास्ते पर हम खर्च करते हैं ये दुनिया में हम डिपॉजिट कराते हैं, और इसको हम मुनाफे के साथ अल्लाह से क़यामत के दिन लेंगे। अब यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है, वो ये कि क़यामत से पहले भी माल में बरकत हो सकती है ना। अब बिल्कुल होती है, वहाँ तो अजर मिलेगा, वो तो मिलेगा, तो इस हवाले से इनको ये भी बता सकते हैं ना आप। बिल्कुल, अल्लाह ताला के, मैं एक दुनिया का एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उससे मेरी ऐसे सरेरा एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई, किसी ने कहा जा रहा है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप इतने अमीर आदमी कैसे बने गए, उसने कहा कि मैंने इल्हामी किताबों में पढ़ा था कि जो अल्लाह के रास्ते में देता है अल्लाह उसको एक के बदले में 10 देता है, 2700 देता है। तो मैंने कहा कि मैं अल्लाह को आजमाऊँ क्यों ना। मैं बहुत थोड़ी तनख्वाह लेता था, बल्कि हॉकर था, मैं अखबारें फेंकता था, मैं बेचता था, मैंने रोज़ाना उसमें से कुछ ना कुछ पैसे निकाल के नकद नकद अल्लाह के रास्ते में देना शुरू कर दिए। तो नतीजा ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया कि आज मैं दुनिया के चंद अमीर लोगों में मेरा शुमार होता है, और मैं इस वक्त भी बग़ैर नस्ल देखे, बग़ैर मज़हब देखे, बग़ैर मसलक देखे, बग़ैर ज़ुबान देखे, मैं बीमारियों के खात्मे के लिए पूरी दुनिया में पैसे खर्च करता हूं, और अल्लाह मुझे और देता है। ये ज़हन में रखिए कि तसव्वुर ये पुख्ता हो जाए तो फिर तो हमारे वारे न्यारे हो जाए। बस यकीन की बात है, यकीन, इसलिए तो पहले ईमान की बात है, यकीन की बात है कि जब आप ईमान और यकीन अल्लाह पर ले आएंगे तो फिर सारे जो अल्लाह के अहकामात हैं उन पर आप अमल करते जाएंगे
तो आप उनसे दुनिया में भी फायदा उठाएंगे और आखिरत में भी फायदा उठाएंगे। और सवाल आपसे मैंने करना है, अलामा साहब फरमाएगा कि अल्लाह की राह में खर्च करना, फिर जो फितराना है उन लोगों को देना, ये किन को दिया जाएगा? फितराना देने वाले तो हैं, हर आप तो मतलब खुतबात जुमा में यहाँ पर जो बयान हो रहा है कि आप दें, मगर जो लेने वाले हैं वो कौन है, उनका क्या अंदाज है और वो कैसे हैं, वो उनकी हैसियत क्या है? मुख्तसर तो लामा साहब ने बयान फरमाया कि जो मसारिफ ज़कात हैं फतराना लेने वाले भी वही हैं, लेकिन अगर इसकी हम तफसील में जाते हैं अपनी पब्लिक को बताने के लिए, तो फिर उलामा ने आगे लिखा है कि फ़कत अपने जो आपके वालदैन हैं, दादी दादा हैं, नानी नाना, नीचे बेटी, मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो लेंगे, जो लेने वाले हैं ना, आपने बता दिया कि वही है, मगर हम अपने मुआशरे में देखें तो किन को देना है, कौन से जो ना ऐसे, वही मैं कह रहा हूँ ना, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें अच्छा कि हमारे रिश्तेदारों में इन रिश्तों के अलावा, इन रिश्ते अपने इन रिश्तों के अलावा, अपने वालदैन, दादी दादा, नानी नाना, इनके अलावा हमारे मुआशरे में गरीब कौन है? अगर बहन गरीब है, कोई भाई गरीब है, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों भी दे, जी 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 जी, सबसे पहले उनका हक है, रिश्तेदारों का, मोहल्लेदारों का, जिनको आप जानते हैं जो गरीब हैं, उसके बाद आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन करीबी लोग देखें, जो करीबी लोग हैं। लेकिन जो फतराना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो पाकिस्तान में हमारे मुफ्ती आजम ऐलान करते हैं या रोयत हलाल कमेटी वाले ऐलान करते हैं, ये मिनिमम है, ठीक है, जो हमेशा कहते हैं कि 100 रुपया फतराना है। वो निसाब पे हम बात करेंगे, पहले थोड़ी सी बात फिर से फरमाइएगा कि जैसे हम जकात किसी को देते हैं तो आपने कहा और उलमा कहते भी हैं कि आप गिफ्ट की शेप में दे सकते हैं, कह सकते हैं ये गिफ्ट है, उनको बताना ना बताना जरूरी नहीं है, तो फितराने के लिए भी क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और हजरत ने बात बड़ी अच्छी की, लेकिन उसकी थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है कि उसूल और फुरू को छोड़ दें आप, बाकी सबको आप जकात दे, फितराना भी दे सकते हैं, जकात भी दे सकते हैं, इसलिए कि आप बताना जरूरी नहीं है कि ये फितराना नहीं, बताना जरूरी नहीं है, आपके नियत करना। और अगर फुकहान है, देखिए इस्लाम जो है ना वो दीन रहमत है, इस्लाम खुददारी पैदा करता है, किसी की खुदी को मजरू नहीं करता, बल्कि यहाँ तक फुकहा ने लिखा है कि अगर आप किसी को जकात और फितराना देते हुए उसे आप हदिया और तोहफा भी कह दें जी, ऐसे ही तब भी आपका फितराना और जकात अदा हो जाएगा, इसमें कोई अर्ज नहीं। और यहाँ एक बात मैं करना चाहता हूँ ताकि आपके लिए एक सवालात भी पैदा हो सकते हैं मेरी बात से, मेरे जिम्मे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इतनी सदा लगाई कि दो 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 और मुख्तलिफ नामों से, इन्फाक के नाम से, कर्ज हसना के नाम से, और इसके साथ जक़ात के नाम से, जिहाद के नाम पर। मैं इस पर एक आयत आपको सुनाता हूँ, फिर आप आगे आगे अपने प्रोग्राम को चलें। कुरान पाक में सूरह आले इमरान में अल्लाह ने फरमाया, लक़द समी अल्लाह कौल अल्लज़ीन क़ालू इन अल्लाह फ़कीरुम व नहनु अग़निया, कि जब इतनी सदा लगाई अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपने मालों को खर्च करो गरीबों पर, मिस्कीनों पर, यतीमों पर, और यहाँ तक कुरान पाक में फिर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कि प्यारे तेरे इतने इसरार और तकरार के साथ इन्हें खर्च करने की तरफ मायल करने के इस अंदाज को देखकर ये अब ये कहना शुरू हो गए कि यार तुम्हारा अल्लाह तो जो है वो फकीर और हम गनी है, इन अल्लाह फकीर व नहनु अग़निया, अल्लाह फकीर और हम गनी है। और कुरान पाक में है कि वला तहादून अला तआमिल मिस्कीन, अगर आप खुद नहीं दे सकते तो कम से कम आप साहिब सरवत लोगों को झंझोड़ तो सकते हो, उन्हें समझा तो सकते हो कि तुम्हारे माल की आफियत, माल की बचत इसी सूरत में है कि तुम अपने माल में से अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ हिस्सा यतीमों पर, मिस्कीनों पर, फकीरों पर खर्च करो। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत एक अहम नुक्ता जो है वो पेशफात रसूल साहब ने बयान किया है। हम इसी की जानिब मजीद भी बढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर निसाब की तरफ भी आएंगे। सिद्दीक साहब जिस तरह आपने भी बयान किया, एक कलाम हम सुन रहे हैं रफीक ज़ियाद साहब से, फिर इंशाल्लाह मजीद आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। मेरे सिर से कर्म दी छा, मेरे लजपाल रख देने, मेरे सिर ते
करम दी छा मेरे लजपाल रख देने मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने मेरा दिल चीर के देखो है ओ दे प्यार नल भरिया मेरा दिल चीर के देखो है ओ दे प्यार नल भरिया मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं हमेशा नाल रख देने मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं हमेशा नाल रख देने जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं कसम रब दी परम मेरा नबी हर हाल रख देने कसम रब दी परम मेरा नबी हर हाल रख देने जिया मंगता जिदे दरदा बड़े आली शहनशाह ने जिया मंगता जिदे दरदा बड़े आली शहनशाह ने ओ महरम ने मेरे दिल दे मैनू खुशहाल रख देने ओ महरम ने मेरे दिल दे मैनू खुशहाल रख देने नबी दे नाम तो सब कुछ लुटा दे देने दीवाने नबी दे नाम तो सब कुछ लुटा दे दे ने दीवाने
ओ अपने चौन वाले नू कदों कंगाल रख देने कसम रब दी परम मेरा नबे हर हाल रख देने मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख दे जी अलामा साहब, आप बयान करना चाह रहे थे कि जो एक अनाउंसमेंट होती है कि 100 रुपीस या 150, इस हवाले से आप बात करना चाह रहे थे। जी जी अलामा साहब, मैं गुजारिश कर रहा था कि हर साल रोयत हलाल कमेटी या मुफ्ती आजम पाकिस्तान ऐलान करते हैं या मोहल्ले के या और अशहर के ले हर जगह ऐलान होता है अपने अपने जो सदका फितर है वो 100 रुपया है या 2.25 किलो गंदम है जो या जो आटा आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो 2.25 किलो है। ठीक है, ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये मिनिमम है, मिनिमम है ये मिनिमम है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 9 मरतबा रमज़ान आया जब रोज़े फ़र्द हुए। हजूर अलैहि सलाम की ज़िंदगी में 9 मरतबा रमज़ान आया जब रोज़े फ़र्द हुए तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर की सूरत में 3 मरतबा हजूर अलैहि सलाम ने वो किशमिश सोंगी से सदका फितर अदा किया। ठीक है, 2 मरतबा आपने छुहारे दिए, यानी ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा गंदम के निसाब ही से दें। ये उन लोगों के लिए है जो है तो साहिब निसाब लेकिन फिर भी गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि वो ज्यादा नहीं दे सकते, ये मिनिमम है जो हमारे ये हाँ, लोगों को तबका है मिडिल क्लास लोग हैं। लोगों को ये अवेयरनेस देनी चाहिए, बताना चाहिए, मालूमात देनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। जैसे अलामा साहब बयान फरमा रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वला तहादून अला तामिल मिस्कीन, कि तुम नहीं दे सकते, तरगीब तो दो, बताओ तो लोगों को, लोगों तक ये पैगाम पहुंचाओ तो सही। तो ये लोगों को बताना चाहिए। आपने देखा होगा, रابطہ है आपका लोगों के साथ कि अक्सर लोग वो 100 रुपया ही देते हैं। ऐसे ही, ऐसे ही। ज्यादा देना चाहिए, बताना चाहिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज्यादा दिया करते थे। इतना देना चाहिए कि किसी गरीब की जो ईद है वो अच्छे तरीके से गुजर। ठीक ठीक है, आप सब ये फरमाइएगा कि जैसे इन्होंने कहा कि किशमिश है, खजूर है, फिर इस आप बता सकते हैं कि जो फैक्शन फिगर के साथ कि इतना देना चाहिए जो साहिब हैसियत हैं, मालदार जो लोग के साथ ताकि नाज़रीन मुफ्ती आज़म और बाकी उलमा और मशायख के हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई बिल्कुल मबनी बर सदाकत और मबनी बर हकीकत है। ठीक है, शायद वो 100 रुपए से बात इसलिए शुरू करते हैं कि पाकिस्तान की अक्सरियत गरीब है। सही। और इसमें आप ये जेन में रखें कि जो निसाब फितराना है उसमें जिसके घर की चीज़ें भी मिला के निसाब बनता है उसको भी फितराना देना है। सही। और अद्दीन युसरुन, दीन आसान है, तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2.25 किलो आटा या गंदम जिसका आज 100 रुपये बनता है वो देना है। लेकिन मैं आज जो सोच के आया हूँ या आपकी गुफ्तगू से मेरे अंदर एक इनकरेजमेंट हुई कि मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से और इस मुकद्दस प्रोग्राम के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि फितराना 3000 रुपये है। ठीक, सोच लें, वेरी गुड, 3000 रुपये फितराना है। अच्छा, मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनीर से फितराना दिया और पनीर से फितराना देने की तरगीब और तलकीन की है। ठीक है, और 4 किलो पनीर का आप हिसाब लगा लें कम से कम वो 750 रुपये बनती है 1 किलो, 700 से शुरू, 750, 750। तो अगर 700 के हिसाब से हो तो 2800 रुपया बनता है, 750 से शुरू हो तो ये तकरीबन 3000 रुपया बनता है। लमसम करें तो 3000 रुपया बनता है लगभग। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फितराने की रूह उस वक्त माशरे में जिंदा होगी कि जब हम लोग 3000 से फितराना देना शुरू करें। और मैं सोचता हूं हजार रुपए में तो पूरे फैमिली जो है भुगत जाती है। अच्छा, अब जिस आदमी की आमदन
सालाना आमदन, माहाना आमदन, मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बताते हैं कि हमारी डेली की जो बचत है या हमारी आमदन है, इंडस्ट्री है उन लोगों की, वो मिलाकर कोई तकरीबन 5 लाख के बराबर, 5 लाख के बराबर, 6 लाख उनकी डेली की उनकी बचत है। अब जो शख्स लाखों डेली की बचत कर रहा है, अगर आप उसको महीनों पर ले जाएं तो करोड़ों की उसकी आमदन बनती है, अगर आप उसको साल पर ले जाएं तो अरबों की उसकी आमदन बनती है। एक अरबपति आदमी, उसको फितराना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3,000 रुपए कहा है। उससे नीचे आप आ जाएं, उससे नीचे आप आ जाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किशमिश है इससे भी दिया है फितराना। और इसके हिसाब से अगर आप किशमिश आप देखें तो आज किशमिश का जो रेट है वो 500 से कम नहीं है, आज कम से कम अगर आप इसको ऊपर ले जाए तो 800 बनती है, तो ये भी तकरीबन 2500-2600 रुपया फीकस बनता है। फिर उससे आप आगे चले जाएं, आप खजूर से दें, खजूर आप लगा लें 400, दरमियानी खजूर लगा लें तो 1600 रुपए इसका बनता है। आप उससे आगे चलें, जौ पर आ जाएं, जौ 100 रुपए किलो आप कम से कम आपको मिलती है तो उसका 400 रुपया बनता है। और ये जो आटा और गंदम है इसके हिसाब से जो फितराना बनता है वो 100 रुपए का बनता है। हम लोग, हमारे उलमा, मैं ये नहीं कहता कि उनकी कोई कोताही है, कोताही नहीं है, बल्कि पब्लिक में, क्योंकि मेरा आना जाना उठना बैठना अक्सरियत को समझते हुए उन्होंने फैसला दिया, पब्लिक में मैंने जब देखा तो एक करोड़ोंपति आदमी भी 100 रुपए पर गुजारा कर रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर करोड़ों अरबों पति आदमी है तो वो 100 रुपए अदा करेगा, उसके फितराना अदा नहीं होगा उसका, बिल्कुल ऐसे ही उसको शुरू करना चाहिए। अगर सिर्फ 100 रुपए फितराना होता तो हजूर 5 मद्दात बयान ना फरमाते। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हजरत ने बयान फरमाया कि 9 रमजान मुबारक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मद्दात से फितराना अदा करके उम्मत को यह रास्ता बताया है। यहाँ एक जुमला में आपके जो ना सवाल था कि मजीद आगे बढ़े कि वो हालात बदलते रहे इसलिए आप कभी पनीर, कभी खजूर, कभी किशमिश, कभी गंदम, ऐसा भी मुमकिन था क्या कि हालात पे डिपेंड करता है? देखिए, आम आदमी के लिए तो हजूर ने ये अंदाज इख्तियार करके बता दिया कि जैसे तुम्हारे हालात हों ठीक है उस अंदाज से तुम फितराना दो। लेकिन हजूर सल्लम तो गनियों के गनी थे, ऐसे ही हजूर सल्लम का जो फक्र था वो इस्तिरारी नहीं था, वो इख्तियारी था। हजूर सल्लम ने फरमाया अल फक्र व फखरी, ये जो फक्र है मेरे लिए फख्र है। आप और मैं अगर मुफलिस और कलाश और फकीर होते हैं तो हम इस्तिरारी तौर पर होते हैं, इख्तियारी तौर पर नहीं। वो बड़े सूफिया होते हैं कि जो सब कुछ के होते हुए भी फकर की जिंदगी इख्तियार करते हैं। हम लोग तो नमूद और नुमाइश और रियाकारी के लोग हैं, हमारे पास थोड़ा आ जाए तो हम गुब्बारे की तरह फूले नहीं समाते। अब इसमें मैं सब मुसलमान हैं, सब ईमान वाले हैं, सब आशिकाने रसूल हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, दीन से मोहब्बत करते हैं। मेरा ये बयान करने का ये नहीं मतलब कि मैं किसी के ईमान और इश्क और मोहब्बत की नफी कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारी ब्रीफिंग में अवेयरनेस में ये बात पहुँचाने में, क्योंकि हम 100 से शुरू होते हैं, 3,000 तक जाते जाते लोग जा ही नहीं सकते, लोग सुनना ही छोड़ देते हैं, 150 तक आ जाते हैं। मैंने इसलिए 3,000 से बात शुरू की है। अगर हम में से जो साहिब सरवत तबका है वो 3,000 रुपया फीकस निकालना शुरू कर दे, फिर उसमें ये भी ज़हन में रखिए कि आप भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है कि जो सर पे लोगों ने सवार किया है, 5-6 फैमिली मेंबर्स होंगे, 7 होंगे, और कितने हो सकते हैं? तो तीन होते हैं करोड़ों पर मुहैया हजरत उलमा की बात, करोड़ों पति लोगों के लिए क्या बात है, वो तो अपने बच्चों के लिए जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो लाखों रुपए लगा देते हैं। बिल्कुल, अगर 3,000 के हिसाब से भी 5, जिस तरह आप फरमा रहे हैं 5 नफर होते हैं, 5 बंदे होते हैं, उसका कितना बन जाएगा? कुछ भी नहीं बनता। अच्छा, इसमें अपने बच्चों का भी देना है जो आपके यहाँ परमानेंट मुलाजिम है, उनका भी आज क्योंकि बांदी और गुलाम तो नहीं रहे ना, लेकिन जो परमानेंट आपके मुलाजिम है, पहले तो बांदी और गुलाम जो होती थी उसका फितराना भी मौला और आका के जिम्मे होता था। जो आपके पास परमानेंट मुलाजिम है उनका जो आपके आप सैलरी देते हैं, जिनको सैलरी देते हैं, जो दिन रात आपके पास रहते हैं, 8 आवर्स के लिए या 12 आवर्स के लिए नहीं, जो दिन रात आपके पास मुकीम है, आपके पास रहते हैं। जिस तरह आजकल लोगों के यहाँ है कि उनके घरों में जो मुलाजिम होते हैं दिन रात के होते हैं, उनको आप उनका फितराना भी आप अदा करेंगे, उनका फितराना भी, अपने बच्चों का फितराना भी आप अदा करेंगे, आपके माँ बाप जो आपके जेर किफालत हैं उनका फितराना भी आप अदा करेंगे। अगर आपकी बीवी उसका कोई साइड बिजनेस नहीं है
उसका फितराना भी आप अदा करेंगे। अगर उसका कोई साइड बिजनेस है और उसके पास कोई आमदन के ज़राए हैं तो बीवी खुद अपना फितराना अदा करेगी। जिनका जो जैसे अपने परमानेंट एम्प्लॉइज की बात की है तो उनका भी अपनी एक हैसियत के हवाले से दिया जाएगा या उसको समझ के ये 100 वाला बंदा 100 रुपया इसका दे दिया जाए? उसका हिसाब से आप दे सकते हैं, 100 के हिसाब से भी दे सकते हैं, 100 के हिसाब से, लेकिन अपने फैमिली मेंबरान को फितराना देते हुए आपको अपनी हैसियत का, मैं एम्प्लॉइज की परमानेंट की बात, जी वो 100 रुपए दे दें तो उनकी तरफ से फितराना अदा हो जाएगा और आपकी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी औलाद का देते हैं तो औलाद का, हाँ, जिस तरह आप औलाद को खिला रहे हैं पिला रहे हैं, जिस हैसियत में आपने रखा हुआ है, जिस किस्म के आप कपड़े उनको पहनाते हैं, जो आपने उनको लाइफ स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसके मुताबिक आप फितराना देंगे। फिर सब जैसे बेटा है, बेटा भी करोड़पति है, बाप भी करोड़पति है, लाखों करोड़ों अकाउंट्स में है, तो पूछ लेना चाहिए कि बेटा मैं तेरा फितराना दे रहा हूँ कि बाबा मैं अपना खुद दे रहा हूँ, ये फिर घर में मशवरा होना चाहिए। इस मशवरा होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि दोनों दें, बाप भी दें बेटा भी दें, और जितना ज़्यादा दें उतना ज़्यादा। और फिर एक मज़े की बात है कि ये जो ज़्यादा अफराद होते हैं ये गरीबों के घर होते हैं, जो करोड़ों पति अरबों पति हैं, मुझे काम है। चार पांच होते हैं उनके, यहाँ चार पांच भी आपने बहुत ज्यादा कह दिए, मैं एक फितराने वाले, ठीक है चार पांच, दो मियां बीवी हो गए, दो बच्चे हो गए, चार हो गए, तो इस हिसाब से ठीक है, इस हिसाब से चार बंदे हों, उसमें भी अल्लाह ने इतना दिया हुआ हो आपको तो उसमें भी आप गरीबों की तरह 100 रुपए फितराना दें, ये रब की रहमत को दावत देने वाली बात नहीं है। अल्लाह मसाफ फरमाए, देखिए बड़ी अहम बात हो चुकी है कि पीर साहब ने कह दिया कि 3000 से शुरू किया और ये 3000 से 100 पर आए हैं, हम 100 से 3000 पे जाएंगे। जी जी, लामा साहब ने जो 3000 का कहा है, 2800 का, 2000 का, ये खुद से नहीं, ये हदीस से साबित है, हदीस से साबित है। ये बड़ी अहम बात है जो सिद्दीकी साहब ने अब जुमला बोला है कि ये पीर साहब अपने से नहीं कह रहे कि मैं ये आज से ये आपको बता रहा हूँ कितना दें, ये हदीस पाक की से साबित है, क्योंकि पनीर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, किशमिश साबित है, खजूर या छुहारे साबित हैं। तो जब हजूर अलैहिस्सलाम ने वो दिए और ज़ाहरी तौर पर जो हालात बदलते हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिनिमम भी दिया होगा, लेकिन अक्सर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा दिया और उम्मत को तालीम ज्यादा की दी। सही। अब हमारे यहाँ ऐसा सोशल आपका मामला है और एक खतीब है, सारे मामलात हैं, क्या ऐसे लोग आपकी माइंड में आपकी नजर में हैं जो इतना देते हैं 3000, 2000 या 1500? है, लेकिन बहुत कम, बहुत कम इस मुआशरे में, बहुत कम ऐसे लोग हैं। अक्सर लोग हिसाब करके 100 के हिसाब से देते हैं। और लामा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, ये जितने मीर घराने हैं इनकी छोटी छोटी फैमिलियां हैं, बच्चे को जो ईद पर कपड़े लेकर दिए हैं वो 10-15 हजार रुपए का सूट है, लेकिन फतराना उसका 100 ही दिया जा रहा है, ये जुल्म है मुआशरे के साथ। बिल्कुल, और फितराने का भी ये मजाक दिया फिर साहब, वो जो आपने भी फितराने का मजाक, ठीक जुमला ही है, 100 रुपए के वाले जी जी, देखो 15000 का बच्चे ने सूट पहना हुआ है जी, जी, तो उसकी तरफ से फितराना 100 रुपया ही दिया जा रहा है। ऐसे ही है, ये वही लोग हैं फिर साहब जिनकी कुर्बानी 40 लाख की हो जाती है, लेकिन फितराने के वक्त इनको 100 रुपया याद आ जाता है। इसको थोड़ा सा और आप वसीह कर लें जी जी, के बेटी के निकाह पर जहेज देते हुए 40-40, 50-50 लाख दे देते हैं, और जब निकाह खां की फीस की बारी आती है तो वही वो 5000 ही एक कॉलर शामिल कर, 5000 अब हो गई है, वरना तो 500 थी पहले। एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अहमद बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी अहमद साहब बिस्मिल्लाह कहिए। ये सर एक सादा शुरमा होता है, मतलब आंखों से जो पानी निकालने वाला होता है, क्या वो रोजे की हालत में डाल सकते हैं कि नहीं? सुरमा, अच्छा ये है सुरमा, अच्छा चल ठीक है। मेरे भाई अहमद साहब सऊदी अरब से सवाल इन्होंने किया, सुरमा लगाने से जो ना रोजा नहीं टूटता, नहीं टूटता, वो आंसू निकालने वाला हो या रिलैक्स जो नहीं निकालता आंसू, दोनों सूरतों में सुरमा डालने से आंखों में रोजा नहीं टूटता। जी जी भाई, सुरमा डालने से रोजा आपका नहीं टूटेगा, रोजा आपको रखना चाहिए, चाहे वो जो ना आंसू आ जाए, जो पानी है बहना शुरू हो जाए, रोजा नहीं टूटेगा। वकास साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल आप जी, आप कीजिए। लामा साहब फरमा रहे थे निकाह के मसले पर, मैं भी रजिस्ट्रार भी हूँ, निकाह भी पढ़ाने का मौका मिलता है। अल्लाह, ये हमारे मुआशरे में 2-3 मौके ऐसे होते हैं जब लोगों को शरीयत याद आती है, अच्छा, जब मसला दीन याद आता है, यानी घर से बरात लेकर आए हैं, लाखों रुपए हवा में उड़ा दिए, लाखों रुपए खर्च किए, जब मसला हक महर का आता है तो पूछते हैं शरीयत क्या कहती है। ठीक है, शरी हक महर क्या है? अब जिस दुल्हन के लिए एक सूट 1,50,000, 2 लाख का लिया दिया है,
उसको भी हक महर 5,000 रुपया दिया जा रहा है। दूसरे नंबर पे शरीयत उस वक्त याद आएगी जब किसी आलम दीन को, किसी निकाह खां को आपने फीस देनी है। तो ये हमारे मुआशरे का अलमिया कह लीजिए अफसोस होता है कि ऐसी बातों पर, और फितराने के मौका पर भी याद आ जाए, फितराने के मौका पर भी कोई हदीस मैं कहूं मिलती नहीं है, ये भी बढ़ जाए तो थोड़ा मामला ठीक हो जाए। देखिए उलमा की खिदमत तो अजर और सवाब बहुत ज्यादा है इसका, क्योंकि उलमा जो है उम्मत की हिदायत, इस्लाह और तबलीग का काम कर रहे होते हैं। और मैं 99% कह सकता हूँ कि उलमा के कोई साइड बिजनेस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाने नहीं है। उन्होंने 24 घंटे अपने आप को खिदमत के लिए वक्फ किया हुआ है, तो उनकी सारी जिम्मेदारियों का जो एहसास और इदराक है वो आवाम को होना चाहिए, और इस कदर होना चाहिए कि फिर कोई आलम दीन, कोई खतीब, कोई इमाम ज़रूरत के वक्त किसी के सामने हाथ ना फैलाए। वो बड़ी अहम बात की अलावा सा ये फरमाइएगा कि जो फितराना है गरीबों को, मिसकीनों को तो देना है, जो मदारिस को देते हैं और मदारिस की जो है ना अपने जो वहाँ तलबा पढ़ते हैं, हाँ उलमा ने इजाज़त तो दी है, दे तो आप सकते हैं, लेकिन मुस्तहब यही है कि पहले अपने रिश्तेदारों में, मोहल्लेदारों में, अपने गाँव में गरीबों को दिया जाए। अगर उनको देने के बाद आप समझते हैं कि आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा गरीब नहीं है, तो फिर आप किसी बड़ी अहम आपने बात की। सर मैंने खुद ये जिंदगी में पहली बार ये इश्तिहार पढ़ा और ये फ्लैक्स देखा कराची में कि उन्होंने कहा कि ज़कात मदारिस के लोग जैसे ज़कात के लिए अपील करते हैं, पहले लिखा खूनी रिश्तेदार, फिर अगली बात करके, फिर अगली बात करके चौथे नंबर पर खुद को रखा, फिर आप हमें दें। ये बहुत बड़ा एक उनका विजन भी अच्छा है, उनकी सोच भी अच्छी है। पहले उन्होंने फ्लैक्स में बड़ी करके यही लिखा है खूनी रिश्तेदार आपके हकदार हैं, फिर हमें आप दें। आप इस बारे में फरमाइएगा साहब। बिल्कुल कुरान पाक में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहां जिक्र किया है इस्तेहबाबी और सुन्नत के तौर पर खर्च करने का, वहां पर लफ्ज वातल माला अला हुब्बी ज़विल कुर्बा, ये सबसे पहले ज़विल कुर्बा। उसके मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि ये लिख देना कि पहले भी खूनी रिश्तेदार है, फिर अपने लिए मदारिस के लोग। उनकी जिस तरह आप तहसीन कर रहे हैं, मैं भी उनकी तहसीन करता हूँ। मैं इस नुक्ते पे बात करना चाह रहा था, ये उन्होंने मतलब है कि अपने मदारिस की जरूरत का इजहार भी किया, लेकिन जो कुरान और सुन्नत की तरतीब है उसको भी बयान किया। और इसमें बड़ी अहम बात है कि ज़विल कुर्बा, अब ज़विल कुर्बा में एक तो वो हैं कि जो आपके खूनी रिश्तेदार हैं उनको, वो भी ज़विल कुर्बा में आते हैं, और दूसरा जो ज़विल कुर्बा यानी जो बहुत करीब हैं आपके। सवाल पूछा जा रहा है कि फुफो को दे सकते हैं फितराना? फितराना फुफो को दे सकते हैं, खाला को? हाँ, इसमें मैं बता दूं उसूल और फुरू हम बात कर रहे थे, वो हम उसकी वजाहत नहीं कर सके, मैं भी बात करते करते किसी और तरफ। उसूल ये है कि आप माँ और बाप को नहीं दे सकते, औलाद को नहीं दे सकते, औलाद जो है जो आपके जेरे कफालत औलाद है उसको आप नहीं दे सकते, इसलिए कि माँ बाप की जिम्मेदारी, बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उनको ज़कात नहीं दे सकते। फुप्पो को, खाला को दे। फुप्पो खाला इनको आप दे सकते हैं, भाई जो है वो बहन को भी दे सकता है, अगर बहन अमीर है तो वो गरीब भाई को भी दे सकती है, चाचा भतीजे को, भतीजा चाचे को, वो भी दे सकता है। जहाँ जिम्मेदारी नहीं है वहाँ पर आप ज़कात दे सकते हैं, फितराना भी काम करने आते हैं उनको भी अक्सर लोग दे देते हैं, ये भी वजाहत कर लें थोड़ी। उसमें जो ज़कात के हवाले से एक मसरफ है फितराने का बता जी, हाँ, मुअल्लफतुल कुलूब जी जी, कि तालीफ कल्ब के लिए आप गैर मुस्लिमों को ज़कात सदकात दे सकते हैं। अच्छा। फितराना दे सकते हैं उनको, सदकात में आता है, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन होगी। ये आखिरी, मैं ये भी ताकि क्लियर हो जाए ना, पहले खूनी रिश्तेदार है, फिर होना, फिर ये लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद नहीं। देखें अपना जो सदका ज़कात और सदकात के मसारिफ हैं उसमें ज़विल कुर्बा का जिक्र नहीं है। नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि फितराने की जो बात कर रहा हूँ। अच्छा, फितराना भी सदकात वाजबा में आता है। ठीक है, ठीक है। दो चीज़ें, तीन चीज़ें सदकात वाजबा हैं, ज़कात, फितराना और उशर, ये ज़कात सदकात वाजबा में आता है। ये इसमें नहीं कहीं लफ्ज़ के ज़विल कुर्बा में दें, ये फ़राइज़ यानी सदकात वाजबा के अलावा जो हम कहते हैं सदकात नाफिला, मसलन अकीका है, ठीक है, अब आप इसका करें तो ये आप दे सकते हैं जी जी। तो सदकात वाजिबा में ज़विल कुर्बा की अव्वल होने की बात नहीं है, ठीक है, उसमें इन्नम सदकात उल फ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन अलिया वल मुअल्लफ़त क़ुलूब वफ़िर रिक़ाब वफ़ी सबीलिल्लाह वबन सबील,
یہ سارے مصارف ہیں اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی چیز بھی علامہ صاحب خرید کر کوئی دے سکتا ہے, مطلب انہی پیسوں کی اگر کسی غریب کو یا کسی کو دے تو یہ بھی مناسب ہے. اس میں بھی کپڑے دلا دیے, کپڑے وغیرہ دلا دیں, یا کچھ بالکل اس میں آپ کپڑے دلا دیں, مطلب کہ ان کے یہ چیزیں جو ہیں جو مدارس کی ابھی بات ہوئی تھی نا, وہ بھی اسی ساتھ کر لیں, اسی کے ساتھ حل ہو جائے گا کہ مدارس میں زکوٰۃ صدقات, جو زکوٰۃ اور فطرانہ ہے وہ آپ دیتے ہوئے ان کو کہیں کہ یہ کھانے پینے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, وہ مدرسین اور وہاں کے سٹاف کی تنخواہوں پر نہیں خرچ کی جا سکتی, نہ زکوٰۃ نہ فطرانہ کر دی جائے ساتھ میں اس کی. یہ شرط ہے, یہ شرط ہے, بتاتا ہم سے کوئی بھی نہیں بس دے آتے ہیں. اچھا, لیکن اب وہ ایک بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ اور فطرانہ دیتا ہے تو جہاں مدارس میں سٹاف کی تنخواہیں ہوتی ہیں, بجلی کے بل ہوتے ہیں, مینٹیننس ہوتا ہے, وہاں کھانا پینا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو زکوٰۃ اور فطرانہ ہے یا عشر, یہ صرف کھانے پینے پر خرچ ہوگا, یہ اس پر خرچ ہوگا, اور اس کے علاوہ مسجد مدارس کی تعمیر پر نہیں خرچ ہو سکتا زکوٰۃ اور فطرانے کا پیسہ. لیکن ایسا تو علماء صاحب بہت جگہ پہ ہو رہا ہے, لوگ استعمال کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ علماء کیونکہ اس مسئلے کو جانتے ہیں, اگر ان کے پاس 1,00,000 روپیہ اکٹھا ہوا ہے تو ان 1,00,000 روپے میں اگر 60,000 روپیہ بھی فطرانہ اور زکوٰۃ کا ہو تو 40,000 روپیہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ اور فطرانے کے علاوہ صدقات نافلہ میں سے ہوتا ہے, تو صدقات نافلہ جو ہیں وہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک بات ہے میں بتا دوں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ ہیلا ہوتا ہے ہمارے مدارس میں, فقہ کی کتابوں میں بھی ہے, فقہ کی کتابوں میں بھی ہے کہ آپ اگر زکوٰۃ نکلتا ہیلا بھی ہے جی, ہر سال ہیلا بھی نکال لیتے ہیں. ہیلا یہ ہے کہ آپ کے پاس زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے ہیں, صدقات واجبہ کے, اور آپ اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں کسی اور مصرف پر, تو پھر آپ کسی مستحق کو وہ دیں, اس کی ملکیت میں ڈالیں, وہ پھر دے دیں, تو پھر آپ اسے خرچ کر سکتے ہیں. اس کی وضاحت ایک حدیث سے میں کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کسی صحابیہ کو دے دیا, اور صحابیہ نے اس گوشت کو پکایا یا اس کے گھر آیا. اب حدیث میں اس یہاں میں تھوڑا سا مسنگ کر رہا ہوں, مطلب کہ جب حضور اس کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں گوشت پک رہا تھا, بھونا جا رہا تھا, تو صحابیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور اور دودھ رکھ دیا. میرا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمایا خود گوشت بھون بھون کے کھاتی ہو اور مجھے کھجور اور کھجور کھلا رہی ہوں. اس نے عرض کی حضور وہ صدقہ ہے, حضور فرمایا لاکے صدقہ تن ولانا ہدیہ تن, جب دینے والے نے دیا تھا تو وہ صدقہ تھا, اب تو پکا کے اگر مجھے کھلائے گی تو وہ صدقہ نہیں ہے, وہ ہدیہ ہو گیا. صدقہ جو ہے کسی کو دیا جائے وہ ہدیہ بن سکتا ہے؟ نہیں, ملکیت پر اعتبار ہے. فرض کریں جب تک آپ کی ملکیت میں تھا فطرانہ جو آپ نے اپنا دینا تھا, اس وقت تک وہ صدقہ ہے. جب آپ نے کسی مستحق کو دے دیا, اب ملکیت تبدیل ہو گئی, اب وہ اس کی مالک ہو گئی. اب اگر وہ مجھے کھلاتی ہے, سلطانی صاحب کو کھلاتا ہے کوئی, تو کھانا بہت ضروری ہے, تو ویسے جو نہ کھائیں گے تو پیئیں گے تو انسان آگے بڑھے, یہ کھا سکتے ہیں. وہ اس لیے ہم کھا سکتے ہیں کہ میرا آقا نے فرمایا تیرے لیے وہ صدقہ تھا, لیکن اب آگے تو کسی کو کھلائے گی تو وہ ہدیہ ہوگا. ٹھیک ہے لاما صاحب. جی لاما صاحب نے جو ہیلے والی بات کی اس کی حدیث سے بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں گزارش کرتا ہوں جو ہمارا معاشرہ ہے جہاں بہت زیادہ لوگ غریب ہیں, ایسے معاشرے میں اگر ہم عوام کو یہ کہیں کہ آپ مدارس میں یا مساجد میں, تو ان غریبوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی. انشاءاللہ بہت ساری باتیں کرنی ہیں, علامہ صاحب آپ پیغام بھی دیجیے گا. ناظرین ابھی بریک ہوگی, نعت سنیں گے, ابھی کلام سنتے ہیں سجاد حیدر نقشبندی صاحب, بسم اللہ کیجیے. غلام رسول حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بوالیا گل تیرے اتے مکنی, تے بوالیا گل تیرے اتے مکنی, نبیاں بھی ہونا اوتھے ولیاں بھی ہونا, ساری خدائی تیرے بوے اوتے چکنی ہے, پھر تیبا والیا گل تیرے اوتے مکنی.
वैस ते बिलाल वाली मौला सानू लेर दे अपने नवासे आंदी सबनू तू खैर दे अपने नवासे आंदी सबनू तू खैर दे आसा वाली बेड़ी साड़ी कते भी ना डुबनी है फिर तैबा वाले या गल तेरे होते मुकनी आवे गाओ बेला जदों जदों बिगड़ी बनान गे सानू मस्कीनानू आपे बने लौन गे सानू मस्कीनानू भी आपे बने लौन गे असां गल सारी सरकार उते सुटनी है फिर तैबा वाले या गल तेरे उते मुकनी है और यादें सरकार विच हंजूरे देवग दे दुनिया दे कम मेनू चंगे नहीं लग दे इश्क दी गल लोकाया भी ना लोकनी इश्क दी गल लोकाया भी ना लोकनी फिर तैबा वाले या गल तेरे होते मुकनी तुके ना नीर वगाया बन दिए ना दुखड़े सुनाया बन दिए नीर वगाया बन दिए ना दुखड़े सुनाया बन दिए अल्लाह दया सोनिया महबूबा ओ गल तेरे बनाया बन दिए गल तेरे उते मुकनी खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर कोहिनूर पर सहर की ये ट्रांसमिशन एहतराम
रमज़ान आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और वकास अली खालिद के साथ। आज के प्रोग्राम में सहर की इन बाबरकत घड़ियों में हमारी गुफ्तगू जारी है सदका फितर के हवाले से। हज़रत अल्लामा पीरज़ादा पीर शफ़ात रसूल नूरी साहब, आपसे गुफ्तगू जारी है, इंशाल्लाह मज़ीद भी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। 26वें रोज़े की सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इख्तियार की है और आने वाली जो शब है इंशाल्लाह वो 27वीं शब होगी और 27 रमज़ान मुबारक की शब आप जानते हैं बिल्कुल इंशाल्लाह एक बहुत अजीम शान हमारे इस प्लेटफॉर्म से ताकरात के हवाले से 27वीं शब के हवाले से महफिल ज़िक्र नात होगी, उसमें इंशाल्लाह हमारी आप लोगों से मुलाकात होगी और आखिर में दुआ भी इंशाल्लाह बहुत स्पेशल तमाम आलम इस्लाम के लिए देखने वाले सुनने वाले हमारे साथ इंशाल्लाह दुआ में भी शामिल होंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम के सना खान जो नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करेंगे मुल्क व कौम की सलामती के लिए इंशाल्लाह, प्यार मोहब्बत इत्तेफाक़ के लिए इंशाल्लाह दुआएं कल की रात इंशाल्लाह 27वीं शब में हमारे इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे और सुनेंगे। हमारे साथ हज़रत अल्लामा पीर शफ़ात रसूल साहब अभी हमें वक्फे में ज्वाइन किया है, नौजवान सना खान मोहम्मद अहमद अमजद ने आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। क़िबला पीर साहब के साहबजादे छोटे पीर शफ़ात रसूल साहब के वो भी उनके साथ हैं इंशाल्लाह, इन दोनों से शहजादों से हम इंशाल्लाह कलाम भी सुनेंगे। एक कलाम के चंद अशार ए सब्ज़ गुंबद वाले बहुत ही खूबसूरत कलाम है, बहुत मारूफ कलाम, उसके चंद अशार हम अहमद से सुनते हैं फिर उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। हम बिस्मिल्लाह गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ऐसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, ऐसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए और ए नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, और मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ दोज़ख से बचा लेना, मकबूल दुआ मेरी
منظور دعا کرنا آمین. یوسف فرمائیے گا. آج ناظرین فطرانہ ہمارا عنوان ہے اور بہت سارے سوالات ہمارے پاس موجود بھی ہیں, بہت سارے سوالات کے جوابات بھی پیر صاحب نے اور علامہ صدیقی صاحب نے دیے ہیں. یوسف ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ اچھے خاصے ہیں لیکن ان دنوں میں بزنس ان کا اس طرح نہیں چل رہا, کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکے ہیں, بالکل تھوڑے سے پیسے ہیں, تو کیا ہم اس کو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ مثلا کہ ان کی یہ بھی بات تھی, یہ بھی ان کا سوال تھا, تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں کرتا, پہلے اسے استطاعت دیتا ہے. اب آپ نماز کو دیکھ لیں, اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشاروں سے پڑھ لیں. اب آپ یہ سہولت ہے اس میں, اگر ایک شخص جو ہے اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو وہ پھر اس پر تو فطرانہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہے اچھا مگر ان دنوں میں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ جسے آپ کہہ لیں کہ وہ اس پروسیس سے گزر رہا ہے, اگر وہ فطرانہ دینے یہ اس کو خیال ہے, یہ بڑی اہم بات تھی کہ اس کو خیال ہے کہ میں دے سکتا تھا مگر اب نہیں دے سک رہا, اس کے بعد کیا دے سکتا ہوں میں؟ نہیں, اگر اس فطرانے پر یعنی عید کے ادا کرنے تک اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس کو اللہ اور اس کا رسول دینے کا پابند نہیں کرتا. اس نے لوگوں سے لینے ہیں پیسے لیکن وہ مل نہیں اس کو رہے,
تو وہ تو اس کی ملکیت میں نہیں ہے, ملکیت میں وہ لوگوں کے پاس پھنسے ہوئے ہیں, قرض کی صورت میں ہیں, لوگ دے نہیں رہے, اس کی استطاعت کو دیکھا جائے گا. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں. اب یہاں پر ایک بات میں نے کی وہ بڑی اہم ہے کہ جب امام عید الفطر ادا کر دے اس کے بعد آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے. اگر ایسا ہو کہ مختلف نمازیوں کو 7:30 ہے, کہیں 8 ہے, کہیں 8:30, کہیں 9 ہے, 9 بھی آپ نے سنا 2-3 پہلے کی ہوتی ہے. اور کئی ایسے جگہیں ہیں جہاں دیہات ہیں قصبے نماز عید ہوتی نہیں ہے, یہ بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں, اس کو شامل کر لیتے ہیں, اجتماع نہیں ہوتا, اجتماع ہوتا ہی نہیں. کئی قصبے گاؤں ایسے ہیں وہاں ہوتا نہیں ہے, قصبے میں تو ہوتا ہوگا, گاؤں میں شاید نہ ہوتا, مطلب نہیں ہوتی جس جگہ پر عیدیں نہیں ہوتی وہاں پر. اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر 9 تک, لیکن اعتبار آپ کی نماز عید کا ہوگا کہ جب آپ نے امام کے پیچھے نماز عید ادا کر لی تو اس کے بعد اب آپ کے لیے صدقہ فطر کی ادائیگی ختم ہو جہاں بھی پڑھے. لیکن ایک یہاں استثناء ہے کہ اگر کوئی بھول جائے, اس کو یاد نہیں رہا, تو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خطا اور نسیان پر مواخذہ نہیں فرماتا. جس طرح نبی وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. جس طرح آپ روزے کی حالت میں آپ کو یاد ہی نہیں روزہ, آپ نے پانی پی لیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے کوئی صدقہ فطر ادا ہی نہیں کر سکا اس وجہ سے کہ اس کو بھول گیا, اس کے لیے اجازت ہے کہ جو ہی وہ یاد کرے اس وقت ادا کر دے, وہ نماز پڑھنے سے پہلے ہو یا نماز پڑھنے کے بعد ہو. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا, اگر کوئی نماز سونے کی وجہ سے نہیں ادا کر سکا یا کسی جگہ اتنا مشغول ہو گیا, اتنا پھنس گیا کہ اس کو اتنا انہماک تو اس مشکل میں, پریشانی میں یا مصروفیت میں اس کو نماز کا وقت یاد نہیں رہا, فرمایا فلیصلیھا اذا ذکرھا, جب اس کو نماز یاد آئے اور جب وہ بیدار ہونے سے, اسی وقت پہلا کام وہ کرے نماز پڑھے, اللہ اس کو ادا کا ثواب دے گا. اسی طریقے سے جہاں نماز ہوتی نہیں ہے تو وہاں پر جو قریبی عیدگاہ ہے اس کی ٹائم کا اعتبار کیا جائے گا, اس سے پہلے پہلے اس قصبے اور گاؤں میں جس جگہ بھی, پہاڑ میں, صحرا میں, دریا کے قریب, جہاں بھی نماز عید کا اجتماع نہیں ہوتا, ان کے قریب ترین جو عیدگاہ ہے اس کے وقت کا اعتبار ہوگا, اس سے پہلے پہلے اس صدقہ فطر ادا کر دیں. جو اشاروں پہ جو ویسے اوور آل ہمیں ملتے ہیں لوگ, خدا کے لیے صدقہ فطر ہمیں دے دو, صدقہ فطر ہمیں دے دو, ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو, وہ بالکل پوائنٹ آف ویو آپ کا بجا ہے کن کو دے, لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. میں اجہ آپ نے بڑا بڑا ضروری سوال ہے یہ. اب صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو, یہ دینا مستحق کو ہے, ٹھیک ہے. اب آپ روڈ پر کھڑے ہوئے لوگوں کو نہیں جانتے کہ ان میں پروفیشنل کون ہیں, ٹھیک ہے, پروفیشنل بھکاری کون ہے اور ضرورت مند کون ہے. اگر آپ اس صورت میں زکوٰۃ دیں گے اور فطرانہ دیں گے تو اس کی ادائیگی مشکوک ہے, اس کی ادائیگی مشکوک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں فرمایا ہے کہ اپنے قرب سے شروع کرو, اپنے قرب سے شروع کرو, کیونکہ آپ کو اپنے قرب میں پتہ ہے, خواہ وہ آپ کے ملازم ہیں, خواہ آپ کے پڑوس ہیں یا آپ کے رشتہ دار. یہ تین ایسے دائرے ہیں, زاویے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. رشتہ داروں میں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ فطرانے کا مستحق ہے یا نہیں, جو آپ کے قریب ملازم ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ کو اپنے محلے میں بھی پتہ ہوتا ہے. اس لیے یہ سر راہ چلتے ہوئے جو مانگتے ہیں ان کو زکوٰۃ اور فطرانہ دینے سے آپ کا زکوٰۃ فطرانہ ادا نہیں ہوگا. اگلا سوال یہ ہے کہ بہت سارے سوالات موصول بھی ہو, لیکن یہ سوال خود سے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل کہ ایک شخص ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ ضرورت مند ہے, وہ آپ کے ریلیٹیو میں کوئی بھی ہے اور چچا ہے, پھپھو ہے, خالہ, آپ نے اس کو صدقہ فطر دے دیا, اس نے بھی اپنا کسی کو دے دیا, تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک شخص خود دے رہا صدقہ فطر, ہم اسی کو دے رہے ہیں ضرورت مند سمجھ کے, لیکن وہ اپنا اس نے 100 نکال لیے اپنی فیملی ممبرز کے نکال دیے, تو اس کے بارے میں کیا آئے گا؟ دیکھیں یہ ذمہ داری ہے کہ آپ تفتیش کر کے, عربی میں لفظ تفتیش ہے, تفتش کہہ لیں, کہ آپ تسلی کر کے زکوٰۃ اور صدقہ دیں. بالکل یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ تسلی کے بغیر دیں. اگر آپ نے یہ سچویشن کریٹ ہو گئی, میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو دے دیتے ہیں مگر انہوں نے بھی آگے دے دیا, یعنی جن کو آپ دے رہے ہیں انہوں نے آگے, جی جی میں یہ سوال کر اپنا دے دیا, یعنی کہ
देखिए फिर तो वो फितराने के मुस्तहिक ना हुए, तो आपने फिर उनको नहीं देना था। देखिए ये तो कैसे पता चलेगा, अब देखिए मैं किसी को जरूरतमंद समझ रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, मुमकिन है वो 100-200 तो निकाल ही दें अपना, लेकिन हम तो उनको दे चुके हैं। अगर वो आगे फितराना दे रहे हैं, फर्ज करें फितराने के तौर पर वो दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो दे रहे हैं फितराने के तौर पर दे रहे हैं, और आपको पूरी तसल्ली है कि वो खुद मुस्तहिक हैं, तो फिर उनका आगे देना वो फितराना नहीं होगा, वो सदका होगा, और जो आपने दिया वो ठीक दिया, वो ठीक दिया। देखे ना, जो गरीब से गरीब आदमी भी हो उसके दिल में भी ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपना ये दे, मैं भी अल्लाह के रास्ते पर कुछ दूं। देखे आप अपने कुर्ब में रिश्तेदारों में आप इंसान धोखा नहीं खा सकता, बिल्कुल पता होता है, जहाँ रोज़ आना जाना हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई भतीजा भांजा, उनमें बिल्कुल इंसान को पता होता है। अगर वो आगे देता है फितराना के तौर पर, ताकि एक अपनी भरम और सफेद पोशी रखने के लिए, इस तरह रखने के लिए देता है, तो वो आपका फितराना अदा हो गया, और वो जो कोश में अगर आप उनको कंसीडर करें, अगर वो आगे देता है तो उसका वो सदका फितर नहीं होगा, वो अल्लाह के रास्ते में सदका होगा, उसका अल्लाह के रास्ते आपने जो दिया वो सही, वो सदका फितर अदा होगा। एक सवाल हमें मौसूल है सुदानी साहब। हाँ, वो हमारे भाई ने एक सवाल किया है कि अगर जो जहाँ वो रहते हैं यानी कि वहाँ नमाज अगर 7 बजे ईद की होती है तो वो वहाँ नहीं पढ़ पाते हैं, वो 9 बजे वाली मस्जिद में जाते उठे हैं, नहीं है तखीर से लेट उठे हैं, तो वो मतलब अपने इलाके के हिसाब से किस तरह वो अपना सदका फितर दें, वहाँ जाकर अदा करें या यहाँ से देकर जाएं। देखिए जब तक आपने नमाज नहीं अदा की जी जी, उस वक्त तक आप सदका फितर दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। खा आप अपने करीब के, देखे ना शरीयत ने करीब के नमाज पढ़ने का पाबंद नहीं किया, आपको नमाज ईद अदा करने का पाबंद किया है। अगर आप किसी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाके पढ़ना चाहते हैं, बाद लोग जाते हैं अपने बुजुर्ग मशाइख की पीरों की ज्यारत भी हो जाए, ईद भी हो जाए, कुछ खुतबा तकरीर सुनने की खुशी में अच्छे खुतबा के पीछे चले जाते हैं अपने महल्ले की मसाजिद को छोड़ के, शरीयत ने यह पाबंद नहीं किया कि आपने नमाज अपने महल्ले की मस्जिद में पढ़नी है ईद, इसकी पाबंदी नहीं है। जब तक वो खुद नहीं पढ़ लेगा उस वक्त तक वो सदका फितर अदा कर सकता है। अगर उसने ईद पढ़ी नहीं है, गफलत से नहीं पढ़ी, अगर नमाज ईद तो वाजिब है, पढ़नी चाहिए, मतलब नहीं पढ़ी तो फिर, अगर उसने नहीं पढ़ी तो फिर आपका अंदाजा लगा लें कि नमाज ईद का वक्त जवाल से पहले पहले है, जवाल से पहले पहले वो सदका फितर दे दे। फिर वो ज़कात जो अपनी दे रहा है वो बंदा, ये भी सवाल भाई ने किया था, तो उसी के साथ अगर दे दे सदका फितर भी, मतलब तो ये भी ठीक है। ज़कात का तो कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, ठीक है, सिर्फ हौलान हौल शर्त है, ठीक है, कि साल गुजर जाए फिर आप ज़कात दें, लेकिन इसके साथ साथ मतलब रमजान में अगर वो दे रहा है, रमजान में दे रहा है तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई जरूरतमंद है, फर्ज करें उसकी तरफ ज़कात निकलती है 1 लाख, जरूरतमंद है, उसने अपने बेटे की या बेटी की शादी करनी है, उसका खर्चा 5 लाख, वो अगले 4 साल की एडवांस ज़कात दे सकता है, लेकिन फितराना नहीं दे सकता एडवांस, फितराना एडवांस नहीं दे सकता, वो चूंकि रोजों के साथ ही उसके सारे मामले, वो रोजे के साथ है, क्योंकि सदका फितर कहा है ना कि आप जब रोजे मुकम्मल कर लें और आप इफ्तार कर लें, इसलिए तो बाद उलमा ने इस पर इंसिस्ट किया है कि आप चांद रात से पहले नहीं दे सकते, किसलिए कि सदका फितर है जी। और आप अभी हालत सौम में हैं, 29वें के बाद 29वें रोजे में भी आप, ये भी जो ना एक मसला है जी, ये उलमा ने इस्तिंबात किया है। अच्छा, इसमें दो बातें, पहली बात जो वाज़ेह इसको मज़ीद कर दें, सौम जब सदका फितर आपने कहा तो सदका फितर कब होगा, जब चांद नजर आएगा, इसलिए उलमा ने कहा कि चांद रात से आप सदका फितर दे सकते हैं, यहाँ तक के इमाम सलाम फेर दे, नमाज मुकम्मल कर दे, उसके बाद आप नहीं दे सकते, उससे पहले पहले, क्योंकि फितर जरूरी है। अगर आप 29 को देते हैं, 28 को देते हैं, 27 को देते हैं, तो ये तो सदका सौम हो गया, सदका फितर तो ना हुआ, ये फिर आप मजीद उलझन में डाल रहे हैं, उलझन नहीं, लेकिन पहले जो हमने वजाहत की है, जी मैं उसी की तरफ, बाद उलमा ने ये भी कहा है, क्योंकि सदका फितर की रूह को समझो, इख्तलाफ है बैन उलमा, उलमा ये इख्तलाफ उम्मत रहमतुन, उस पर अमल किया जाए तो वो भी ठीक है। अब बाद लोगों ने ये कहा है कि क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये मिस्कीनों और गरीबों की ईद का सामान है, तो अब जब ईद का सामान है तो ईद की तैयारी के लिए अगर उनको पहले भी आप दे देते हैं चांद रात से पहले, तो वो सदका फितर ही होगा। अब इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बनू कुरैज़ा के साथ जब मामला था जंग का, फरमाया वहाँ जाके असर की नमाज पढ़ना, तो कुछ लोग लेट हो गए सहाबा चलने में, या जैसे भी हुआ तो उससे पहले असर की नमाज का वक्त खत्म होने लगा। अब कुछ सहाबा ने कहा भी हम तो असर की नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ ने कहा कि हम नहीं पढ़े, हुजूर ने क्योंकि मकाम मुकरर कर दिया था कि उस मकाम पर पहुंच कर असर पढ़नी है। अब सहाबा में इख्तलाफ हो गया, कुछ ने वहां वक्त के अंदर नमाज पढ़ ली और कुछ ने कजा करके वहां जाके नमाज पढ़ी।
अब जिन्होंने वहां नमाज पढ़ ली असर की उन्होंने हदीस की रूह को समझा, और जिन्होंने नमाज कजा करके उस जगह पर अदा की उन्होंने हदीस के जाहिर लफ्ज पर अमल किया। अब इस पर यह है कि जो ये कहते हैं कि ईद चांद को ही देनी है वो हदीस के जाहिर अल्फाज पर अमल कर रहे हैं, और जो कहते हैं कि क्योंकि ये मिस्कीन की ईद की तैयारी है अगर इसको कुछ पहले भी दे दिया जाए तो ये हदीस के माने पर मफहूम पर बातिन पर अमल कर रहे हैं। जब वो दोनों सहाबा हजूर सल्लम के पास पहुंचे उनका हजूर आपने फरमाया था फला जगह असर पढ़नी है, इन्होंने पहले पढ़ ली और हमने वहां कजा जाके पढ़ी, इन्होंने अदा पढ़ी वक्त से, जगह आपने जो फरमाई थी वहां नहीं पढ़ी, तो मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया असब तुम दोनों ने ठीक किया, इसलिए कि जिन्होंने कजा नमाज नहीं की उन्होंने हदीस की रूह को समझा। उनका कि हजूर सल्लम का इरशाद ये था कि अगर तुम इस वक्त निकलो इस रफ्तार से चलते हम तो हम पहुंच जाते असर की नमाज, वहां जाके पढ़ लेते अदा, लेकिन हम सुस्ती हमने की है लिहाजा हम नमाज को क्यों कजा करें, हम नमाज को अदा पढ़ेंगे। उन्होंने हजूर के जाहिर हदीस के लफ्ज पर गौर करके उसी जगह पर जाके नमाज पढ़ी। मेरे आका ने फरमाया तुम दोनों ने ठीक किया, क्यों ठीक किया, क्योंकि दोनों की नीयत ये थी कि हम इत्तेबाए रसूल किस सूरत में कर सकते हैं, उन्होंने इस सूरत में समझा, उन्होंने उस सूरत में समझा। इसी तरह जो उलमा फरमाते हैं क्योंकि ये सदका फितर है लिहाजा जब चांद का ऐलान हो जाए तो फितर तो तब हुआ ना, बिल्कुल ठीक है, उससे पहले तो सौम है लेकिन फितर और सदका फितर अगर ऐसी भी हैं जिसने आपने बहुत तफसील से बयान किया, अगर जो जिसको अल्लाह ने बहुत दिया है अगर वो दोनों चीजें अदा करता है सदका सौम भी कर देता है फिर दोबारा फिर सदका फितर कर देता है तो ये भी सूरत हाल ठीक है? नहीं, वो मैंने कहा कि उसको सदका सौम कहेंगे क्योंकि फितर तो हुआ नहीं ना। अच्छा, वो पहले अच्छा। जो ये कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ गया, अगर पहले भी दे दे वो और बाद में भी दे दे तो देना चाहिए। वो तो मैं इस हवाले से मैं हदीस बयान करते करते गुफ्तगु के दौरान भूल जाता था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मामूल मैंने रमजान में देखे, एक मामूल के हजूर कसरत से कुरान पाक की तिलावत फरमाते थे हत्ता के जिब्राइल से दौर फरमाया करते थे, और दूसरा हजूर का अमल क्या था कि आप इतना अता फरमाते थे कि आपकी सखावत की रफ्तार तेज तूफान की रफ्तार भी मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए रमजान में इतना दो ताकि लोग सहरी और रफ्तारी करें और उसके बाद फितराना भी दो ताकि लोग ईद की तैयारी कर सके। जिन्होंने कहा कि ईद चांद से देना है उन्होंने हदीस के जाहिर लफ्जों को देखा, जिन्होंने कहा अब वो भी ठीक है, और जिन्होंने ये कहा कि पहले दे दो ताकि वो तैयारी कर लें ईद की उन्होंने हदीस के रूह पर अमल किया। मोस्टली ऐसा होता है अक्सरियत और ज्यादातर यही है कि नमाज से पहले लोग दे रहे होते हैं फजर की नमाज अदा कर ली, या रात में दे रहे होते हैं या सुबह फजर के बाद दे रहे होते हैं, अक्सर देखने में पढ़ने से पहले ही मतलब ऐसे ही है क्योंकि उलमा ने यही जी बिल्कुल यही है। आप ये फरमाए क्या कि एक शख्स जैसे आपने मिसाल दिया आकर इस्लाम की सखावत की तेज आंधी की मानित थी, तो एक शख्स बहुत ज्यादा सखावत कर रहा है उसने माल बहुत लुटाया अल्लाह की राह पे खर्च किया, फिर उसने ये सोच लिया कि यार इतना कुछ मैंने दिया माह रमजान में उसी में सदका फितर भी हो गया होगा। नहीं, वो तो नियत करने से होगा ना सदका फितर, तो जब तक वो नियत नहीं करेगा सदका फितर अदा नहीं होगा। लेकिन वो सोच जो सोच रहा है मतलब कि हो गया वो तो करने के बाद सोच रहा है ना, करने के बाद सोच रहा है तो करने से पहले सोचना है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पर है, अगर आप नियत करेंगे तो होगा, यानी करने से पहले नियत नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा, अगर नियत कर लेते हैं तो फिर ठीक है। ये बताइएगा कि जैसे आपने पहले फरमाया कि 3000 दे 2500 दे 2200 दे 1500 दे, अगर उसने वो बहुत मालदार है अरबपति है दे वो यही रहा है 150 रुपया, तो क्या उसके सदके फितर अदा हो गया? मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला उसके सदके फितर को कबूल करने वाला है जी जी। लेकिन उसे डरना चाहिए कि कहीं वो अगले रमजान तक हालात ना आ जाए कि वो 150 देने वालों में अल्लाह उसको शामिल कर दे, क्योंकि अल्लाह की नाराजगी है इन बातों से, इतनी जल्दी से वापस हो जाते हैं, हो जाता है। देखें अल्लाह ताला का मैं आपको बताऊं कि कारून था ना, कारून से जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तुम अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह ने तुम्हें दिए अल्लाह के रास्ते में दो, तो उसने कहा कि कौन अल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, किस अल्लाह ने मुझे दिया है? उसने कहा इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये तो मेरी इंफॉर्मेशन वक्त पर फैसले ये मेरा हुनर इसकी वजह से है, मैंने एक चीज़ खरीदी सस्ती खरीद ली वक्त पर खरीद ली, फिर मैंने अपने पास स्टॉक रखा फिर उसको मैंने बेचा नफा, इसमें अल्लाह नाउज़ बिल्लाह कहाँ से आ गया? फिर सब आपकी बात वो अच्छा, बात पूरी सुनानी है कि आज भी ये सोच नहीं पाई जाती कोई कामयाब हो जाए अमीर करोड़ अरबपति हो जाए वो ये कहता भाई मेरी ही मैंने ये फैसला किया मैंने यूं किया मैंने वो किया मैंने फैसला किया था, वो बिल्कुल ऐसे करता है। उसके बाद जब नहीं दिया उसने और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तमस्खर उड़ाया कि तुम किस अल्लाह की बात कर रहे हो,
वो अल्लाह जो है वो कहाँ है, मेरा इल्म मेरा अकल। फिर हज़रत मूसा सलाम फरमाया, अरे नादान ये बता, ये अकल ये इल्म ये फहम ये फरासत ये किसने दिया है तुझे? ये अल्लाह ने दिया, अगर अल्लाह ना तुझे देता तो तू कैसे फैसले करता? नतीजा क्या हुआ? फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि हज़रत फरिश्तों को भेज के उसके सारे जो ख़जाने थे उसको संदूक उसके सर पर रख दिए, और वो वाहिद बदबख्त इंसान है कि जो क्यामत तक अपने संदूक और माल के साथ जहन्नम की तह में उतर रहा है, और अभी तक वो उतर रहा है। इसलिए यतीमों को गरीबों को मिस्कीनों को ज़रूरतमंदों को देते हुए ये ना समझा करो कि तुम उन पर एहसान कर रहे हो। इसलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वफ़ी अमवालिम हक्कुल लिसाइल वल महरूम, जिस तरह तुम्हारे बच्चों का हक है तुम्हारे माल में, इसी तरह माशरे के महरूम और साहिलीन का भी हक है तुम पर। इस हक ने बिल्कुल सिनेरियो बदल कर रख दिया है। हम तो ज़कात समझ के देते हैं ना, फिर एहसान समझते हैं। रब ने हक कहा है। काश इस एक आयत को हमारा साहिब सरवत लोग समझ जाएं तो हमारे मुल्क की हालत बदल सकती है। देखिए जो दे रहा है वो इतरा भी रहा है कि मैं दे रहा हूँ भाई, मैं इसको दे रहा हूँ, और नहीं ये नहीं देने में भी दिखावा है ना जी, देने में भी। ये सोच जहाँ हमने बहुत सारे मसाइल बयान किए और जो फितराना के हवाले से बातें हुई हैं, ये सोच कैसे बदली जाए लामा साहब कि इसे हक समझा जाए ना कि इस पर इतराया जाए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद, अगर बात सिर्फ समझने की है, दिल में उतरने की है, बात दिल में उतर जाए तो इंसान चंद बातों से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। मेरे आका ने फरमाया कि जब तुम किसी को ज़कात दो तो ज़कात देते हुए सर को झुका के अल्लाह का शुक्र अदा करके दिया करो। तो सहाबी ने पूछा, हजूर सर झुका के अल्लाह का शुक्र अदा करके देते हो, इसका क्या मतलब है? अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अगर चाहता तो तुम्हें देने वाले की बजाय लेने वाले की जगह खड़ा कर देता, तो तुम क्या करते हैं? अगर उसने तुम्हें देने वाला बनाया है तो सर झुका के दो, शुक्राने के तौर पर दो, एहसान ना जताओ, तकब्बुर ना करो, गुरूर ना करो, डेवलप हो जाए रामा साहब, बिल्कुल तो इंसान बन जाए। इसको डेवलप करने के लिए एक नुकता मैं आपके सामने, एक नुकता मेरे अपने इस 20-25 साल इस दौर में मैंने देखा है कि जो 25 साल पहले बहुत बड़े अमीर थे, आज वो नाने नाने हाजत को नाने रोजाना की रोटी को तरस रहे हैं, और आज से 20-25 साल पहले जो एक नून तेली की दुकान जिनकी थी, आज उनके वो अरबों पति और इंडस्ट्रियल मतलब के बन गए हैं। ये सारी मिसालें माशरे की हमारे सामने हैं। अगर इन मिसालों को अगर हम सामने रखें तो सब कुछ समझ आ जाता है। बहुत तफसील से जो है वो वजाहत पीर साहब ने की है, और बहुत से अहम जो है वो एक मौजू की जानिब मुकम्मल रोशनी दिलाई है, और अगर ये ऐसा हो जाए तो हकीकत में कामयाबी यकीनन जो है वो हमारा मुकद्दर बन सकती है। क़िबला पीर साहब के छोटे साहबजादे हैं, इन्हीं से चंद अशआर हमने कलाम के बल्कि अहले बैत की बारगाह में ये चंद अशआर पढ़ना चाह रहे हैं। आप बिस्मिल्लाह करी पढ़िए। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है सबका बादशाह हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा 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 के दी का ना खुदा, हर इब्तदा की इब्तदा करम की इंतहा हुसैन है। हाँ करम की इंतहा हुसैन है। करेगा कौन हम सरी, किसी की क्या मजाल है, जहाँ में है लिहाज से हुसैन बे मिसाल है। ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है, मेरा हुसैन है सबका बादशाह हुसैन है। करोगे गए मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ, वो हश्र होगा हश्र में
के अलहफीज ओ अलअमान, जहाँ भी छुपने जाओगे कहीं पे बच न पाओगे के हर जगह मेरा हुसैन है, हर जगह मेरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, सबका बादशाह हुसैन है। शहीद कहे भला का गम जिसे बिना गवार है, वो बद नसीब बद अमल उसी पे बेशुमार है। अरे ओ दुश्मन हुसैन तू मर जरा लहद में जा, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा अता पता हुसैन है, मेरा अता पता हुसैन है। अल्लाह ना पूछिए कि क्या हुसैन है। कराम पेश करे थे साहबजादा गुलाम रसूल हसन साहब। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, रहिएगा हमारे साथ। खुश आमदीद नाज़रीन, सहर की बराह रास्त नशरियात कोहिनूर पे एहतराम रमज़ान आप देख रहे हैं। आज का उनवान बड़ी अहमियत का हामिल है, और जिस जिसने रोज़े रखे हैं और जिसने नहीं भी रखे, सभी ने ये फितराना अदा करना है, ये बात तो तय है। और किसने किस अंदाज में देना है, किसने किस तरीके से देना है, और किसने कितना देना है, इस पर भी हमारी बात हो चुकी। पीर साहब खुलासा कलाम की तरफ आते हैं और साथ में पैगाम की तरफ आते हैं। खुलासा कलाम तफसील से आप बताइएगा जो हमारी गुफ्तगू हुई, ताकि जो नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके तक भी बात पहुँच जाए हमारी। इस सारी गुफ्तगू का नचोड़ और ख़ुलासा ये कि अल्लाह ताला से बंदे को तीन पहलुओं पर ताल्लुक़ जोड़ना है। ठीक है। पहला कि अपने फ़िक्री तौर पर अल्लाह के अलावा बाकी सबको अपने जहन से निकालना है, जिसे तौहीद कहते हैं। ये एतकादात किस हवाले से निकालना है? मतलब है कि मस्जूद और माबूद सिर्फ अल्लाह है। ओके ठीक है। मस्जूद और माबूद अल्लाह है। और अगर किसी मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि अगर दुनिया में रहते हुए आप अपने जहन में माँ बाप को, औलाद को, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब कुछ होते हैं, लेकिन वो मखलूक के दर्जे में होते हैं, माबूद के दर्जे में नहीं होते। दर्जा माबूदियत में सिर्फ एक ही ज़ात है जिसको अपने जहन में बिठाना है, जिसको अकीदा कहते हैं। फिर उसके काफ़ी शाखें हैं, रिसालत, नबुवत, मलाइका, कब्र, आखिर, ये एक तफसील है। उसके बाद इबादात कि आपने जिस अनदेखी ज़ात पर यकीन पैदा किया है, फिर उसके अहकामात पर आपने अमल करना है। उन अहकामात में इबादात भी हैं, उन अहकामात में बदनी इबादत, जिस्मानी इबादत, कौली इबादत, ये सब इबादतें जिसकी तफसीलात तो बयान हो चुकी है। जी हाँ, कुरान और कुरान हदीस। जी हाँ, अब हम फोकस कर रहे हैं माली इबादत पर, क्योंकि फितराने पर बात है। तो ये मैंने जो तमहीद बांधी खुलासे के लिए, अब माली जो इबादत है इसकी बड़ी अहमियत है। इसकी बड़ी अहमियत है, और उस अहमियत को मैं एक हदीस से बयान करके, जिसमें सारा खुलासा भी आ जाएगा, आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन बंदा अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह से जन्नत मांगेगा, अल्लाह कहेगा कि तू मुझसे क्यों जन्नत मांग रहा है, मैं तेरे दरवाजे पर आया था और मैं बीमार था, तूने तो अपना दरवाज़ा बंद कर दिया था। अल्लाह, तो वो बंदा कहेगा अल्लाह तू खालिक, मैं तेरा मखलूक, तू माल बादशाह, मैं तेरा ममलूक, तेरा मेरा मजाक तो नहीं है, तू कैसे और कब मेरे पास बीमार था, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद एक और बंदा अल्लाह के पास आएगा, अल्लाह उससे कहेगा कि तू किस लिए आया, वो कहेगा अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, अल्लाह फरमाएगा मैं तेरे दरवाजे पर आया था, भूखा और प्यासा था, मैंने तुझसे मांगा था, तूने दरवाज़ा बंद कर दिया था,
پھر تیسرا بندہ آئے گا، وہ اللہ سے جنت کا سوال کرے گا، اللہ اس کو فرمائیں گے کہ میں تیرے پاس سردی میں ٹھٹھرتا ہوا ننگے بدن آیا تھا، کپڑا تو اسے مانگا تھا تو نے بند کر دیا۔ اب یہ تینوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھیں گے اور اللہ کی گفتگو کو بھی سوچیں گے کہ اللہ تو سچوں کا سچا ہے، تو یہ کس طرح یہ بات ہے؟ تو رب العالمین فرمائے گا کہ میں کیا تیرے پاس میرا بندہ بغیر کپڑوں کے آیا تھا؟ اس نے کہا اللہ وہ تو آیا تھا، تو نہیں آیا تھا جی۔ پھر اللہ کہے گا میں تیرے پاس بھوکھا آیا تھا، تو نے دروازہ بند کیا، تو کہے گا اللہ بھوکھا تو آیا تھا، ہم نے دروازے بند کیے تھے، ہم نے ان کی ضرورتیں پوری نہیں کی، بیماروں کو نہیں ہم نے دیا، لیکن تو فرما رہا ہے کہ میں آیا تھا، میں ننگا تھا، میں بھوکھا تھا، میں بیمار تھا۔ تو رب العالمین نے فرمایا جب تمہارے در پر کوئی بھوکھا ننگا محتاج اور غریب مسکین آ جائے تو یوں سمجھ لو کہ خود خدا آیا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اور اس کے لیے رہنمائی دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے بھوکے ضرورت مند بیمار بندوں کی خدمت، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور وہ حدیث مبارک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلیٰ خلق عظیم، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر ہیں، تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ خلق عظیم کیا ہے، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کا خلق عظیم آپ کا قرآن ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آقا خلق عظیم کیا ہے، فرمایا خلق عظیم یہ ہے کہ اللہ سے لے کر مخلوق کو دینا۔ پھر صاحب یہ فرمائے گا جو آپ نے ابھی حدیث پاک ہم سب کو سنائی ہے کہ وہ خالق کی بارگاہ میں جو پہنچیں گے جنت مانگیں گے آگے سے جواب یہ ملے گا۔ آج کل تو دروازے پہ ایک آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، چوتھا جا رہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ ایریاز جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کر دیے کہ یہاں میرا ہے وہاں مکمل طور پہ۔ پھر ایک جو شخص ہے وہ کہے گا مولا میں نے تو سمجھ ہی نہیں آئی، مجھے جنت ویسے عطا کر دی، اتنے لوگ آ رہے تھے تو میں کیا کرتا۔ آپ کا سوال حالات حاضرہ اور دور موجودہ کو رکھا جائے تو ایسے ہی ہے جی، کیونکہ آج شناخت بڑی مشکل ہے کہ حقدار کون ہے اور حقدار کون نہیں ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈر رہے کہ جو نا، لیکن پھر بھی اس موقع پر بھی یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ اور فطرانے کے لیے تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ شناخت حاصل کر کے پھر دیں، لیکن اگر کوئی اس طرح آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے جی اور وہ ضرورت مند ہو بھی سکتا ہے اور ضرورت مند نہیں بھی ہو سکتا، تو فرمایا اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، تم آنے والوں کو خالی نہ بھیجو، جتنا تم دے سکتے ہو ان کو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا اس کا۔ اور ایک جملے میں مزید پیغام سارا ہی تھا، مزید دو جملے آپ کو اور دے دیتے ہیں۔ اب یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اسلام میں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں صرف عبادت ہے، یار عبادت ہے اسلام میں، اسلام میں خدمت خلق کا سب سے زیادہ تصور ہے، باقی آپ مذاہب کو دیکھیں ان میں بھی خدمت خلق کی بات ہے، لیکن میں بحثیت ایک مسلمان کے قرآن اور حدیث کا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جتنی خدمت خلق کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، سیرت طیبہ میں ہے، اتنی خدمت خلق کی جو بات ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا کوئی شخص کبھی خالی نہیں گیا تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اگر نہ ہوتا تو آپ سائل کو بٹھا کے کسی صحابی کے پاس جا کے قرض اٹھا کے لاتے اور اسے دیتے، اس لیے کہ رب کے ضرورت مند اور محتاج بندوں کی خدمت یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جزاک اللہ بہت شکریہ حضرت علامہ پیر شفاعت رسول صاحب آپ کا، اور بہت مکمل قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں گفتگو صدقہ فطر کے حوالے سے ہوئی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے بہت سے لوگوں جی کی رہنمائی اس اعتبار سے ہوئی ہوگی۔ کل کی بہت پہلے بھی میں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، انشاءاللہ 27ویں شب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک عظیم و شان محفل ذکر و نعت میں۔ پیر صاحب کی آمد کا بےحد شکریہ، محمد احمد آپ تشریف لائے، قبلہ پیر صاحب کے صاحبزادے آئے، آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ ملاقات سحر کی بابرکت گھڑیوں میں 27ویں شب کی محفل میں آپ لوگوں سے ہوگی۔ آخر میں احمد چند اشعار ہی پیش کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت طلب کر لیں گے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ابو بکر بھائی میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ آپ جا رہے ہو تو اگر ہو سکے تو یہ کلام پڑھ دیں، میں چاہوں گا آخر میں انہیں کا کہا ہوا کلام پڑھوں، بڑا خوبصورت کلام۔
तरसती हैं आंखें, लबों पर है आहें, मेरे आका जल्दी मदीने बुलाए, तरसती हैं आंखें, लबों पर है आहें, मेरे आका जल्दी मदीने बुलाए, तरसती है आँखें, सबागर मदीने में हो तेरा जाना, मेरे दिल की हालत नबी को सबागर मदीने में हो तेरा जाना, मेरे दिल की हालत नबी को सुनाना, सिवा तेरे दुखड़े किसे हम सुनाए, मेरे आका जल्दी मदीने बुलाए,